लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। घबराओ मत, सब ठीक है। तुमसे कितनी बार कहा है कि बस चलाने की कोशिश मत करो, तुम अभी छोटे हो, हाथ स्टीयरिंग पे रहेगा तो पांव ब्रेक तक नहीं पहुंचेंगे। सॉरी अंकल, मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा से कभी बस नहीं चलाऊंगा। सब ठीक हो ना बच्चों? किसी को लगी तो नहीं? नरेश, Are you all right? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। Thank God। आज तुमने अपनी जान खतरे में डालकर इन सब बच्चों की जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का फादर, ये तो मेरी ड्यूटी है। God bless you my son। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आज हमारी विकराल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 25वां साल पूरा किया है। इस दौरान इस कंपनी ने जो भी तरक्की की है उसका क्रेडिट मैं आप लोगों को देता हूं। आपके पसीने से ही इस कंपनी की कामयाबी का इतिहास लिखा जाएगा। दोस्तों, ये विकराल सिंह वो आदमी है जो मेहनत के पसीने की इज्जत और कदर करना जानता है। मैं आप लोगों के लिए 6 महीने के बोनस का ऐलान करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के इस शुभ अवसर पर मेरे जिगरी दोस्त सरकारी वकील राणा विजय सिंह और डीएसपी विक्रम सिंह राठौड़ भी इस सभा की शोभा बढ़ाने के लिए यहां मौजूद हैं। मैं राणा विजय सिंह जी से विनती करूंगा कि वो आप लोगों से चंद बातें करें। दोस्तों, आज से पहले कभी ऐसा नहीं सुना गया कि किसी कंपनी के मालिक ने 6 महीने का बोनस दिया हो। मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया में अच्छे मजदूर बहुत हैं लेकिन अच्छे मालिक बहुत कम मिलते हैं, और ये मेरा और डीएसपी राठौड़ का भी सौभाग्य है कि हमें विकराल सिंह जैसा दोस्त मिला। हम तो इतने गरीब थे कि स्कूल की फीस भी नहीं भर पाते थे। विकराल सिंह और हम दोनों बचपन में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। इन्होंने कदम कदम पर हमारी मदद की। आज इनकी मेहरबानी से मैं सरकारी वकील हूं और मिस्टर राठौड़ डीएसपी। विकराल सिंह सचमुच अपने नाम की तरह विशाल हैं।
वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी श्री नरेश ने अपनी जान पर खेलकर बच्चों की जान बचाई। इस बहादुरी के लिए विकराल जी उन्हें 10,000 रुपए इनाम में देते हैं। मैं DSP राठौर से विनती करूंगा कि वे 10,000 का चेक नरेश को भेंट करें। कंग्रेचुलेशन। सुनिए जी, कहिए। वकील जी घर पर हैं? जी हाँ हैं। आप लोग बैठिए। अब डैडी, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। ये सब क्या लाए हैं आप लोग? क्षमा कीजिए, ये आपके लिए नहीं है, ये सब शारदा जी के लिए लाए हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग बैठिए, वो आती होंगी। जी। अनु जल्दी करो। आई मामा, आप अपना गाउन अंदर ही भूल गए थे। शारदा, तुमसे कुछ लोग मिलने आए हैं। नमस्ते शारदा जी। नमस्ते, कहिए। आपकी मेहरबानी से हम केस जीत गए। आपका ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें उपकार की क्या बात है, एक वकील होने के नाते मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया था। आपकी तरह अगर हर वकील अपना फर्ज पूरा करे तो गरीबों को भी इंसाफ मिलने लगेगा। हमारी तरफ से ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। अच्छा जी, हम चलते हैं। नमस्ते। आइए चलिए। डैडी, यहाँ जो भी आते हैं मम्मी की ही तारीफ करते हैं, उनका ही सम्मान करते हैं, ऐसा क्यों? आखिर आप भी वकील हैं। वो इसलिए कि तुम्हारी मम्मी मुझसे बेहतर वकील है। नहीं, कैसी बातें करते हो अन्नु, तुम्हारे डैडी कोई मामूली वकील नहीं, सरकारी वकील है। मैं चाहे कितने भी केस जीत जाऊं, मुझे सिवाय तारीफ के कुछ नहीं मिलने वाला। और तुम्हारे डैडी सरकारी वकील से मैजिस्ट्रेट, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट जज, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज तक बन सकते हैं। हां ठीक है। सच? ओ डैडी, तब तो बड़ा मजा आएगा। डैडी जज, मम्मी वकील, और हमने की अपील तो मुकदमा हम जीतेंगे। अच्छा अच्छा, मुकदमा सब जीतेंगे। चलो चलो भाई। बस 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 लो खा। मम्मी बस। अरे खाना भारती। हां ओ भारती, अब आप ही जाओ ना। आ रही हूं भाभी। सॉरी भैया, आज मुझे ढेर सारे लोगों के इंटरव्यूज लेने हैं, इसलिए ढेर सारे सवाल तैयार करने पड़े। बहन जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप कोई ढंग का काम करें। ये रिसर्च रिसर्च में क्या रखा है? विमेन ऑफ इंडिया पर रिसर्च करना ढंग का काम नहीं है भैया। अच्छा बाबा, जो तुम्हारे मन में आए करो, मैं चला ऑफिस। बाय बाय बंटी। आंटी, वुमेन ऑफ इंडिया की बजाय आप बॉयज ऑफ इंडिया पर रिसर्च क्यों नहीं करती? बॉयज में क्या रखा है? क्या रखा है? मुझे देखो, मेरी उम्र 7 साल है, 10 साल की 10 लड़कियां मुझे लाइन मारती हैं। क्या ये रिसर्च के लिए काफी नहीं है? क्या 10 लड़कियां तुम्हें लाइन मारती हैं? हाँ हाँ, बदमाश। अरे बाप रे, अरे बाप रे मौसी। हाँ, वो लड़की तो फिर से आ रही है। बाप रे, उल्टे सीधे सवाल करके फिर से जान खा जाएगी। चलो चलो भागो, चलो चलो चलो। अरे खिलाड़ी मौसी। अरे बाबा नहीं मौसी, मेरी बात तो सुनो। बस एक ही सवाल, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। पार्वती बहन कैसी हो? नहीं बाबा नहीं। अरे सुनो तो, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मेरे मरद के आने का टाइम हो गया, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं चल। मेरे एक सवाल का जवाब दो, जो मैंने तुमसे कहा था वो तुमने किया। अब तुम्हारा पति कैसा है? पहले से भी ज्यादा दारू पीने लगा है, और अब तो पी के मुझे मारता भी है। अच्छा हाँ। तो तुम एक काम करो, अगर वो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, तुम उसके दोनों गालों पर थप्पड़ मारो। अगर वो एक लात चलाए, दोनों लात चलाओ, तब ये मर्द लोग ठीक रहेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर तुम्हारी ये शिक्षा सबने मान ली तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? हर घर कुश्ती का अखाड़ा बन जाएगा, फिर एक भी पति पत्नी का जोड़ा साथ नहीं रह पाएगा। नहीं रहता है तो ना रहे, लेकिन अब मर्दों की अकड़ नहीं चलेगी। औरतें किसी बात में उनसे कम नहीं, जो काम मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। अच्छा, तो जैसा जैसा मैं करूंगा वैसे वैसे तुम करोगी? जरूर करूंगी, ये देखना पड़ेगा। सुनिए बहन जी, आप इधर आइए, आप भी आइए, आप लोग भी आइए। देखिए, इन्होंने मुझसे शर्त लगाई है कि जो मैं करूंगा वैसा ही ये करेंगे, है ना? हाँ। तो शुरू करें? करिए। वाह वाह, क्या आंख मारती है, वाह वाह, क्या बात है। अब देखिए, चलो उतारो।
चलो चलो, रुक क्यों गई? उतारो। अरे मैम साहब, कहां भागी जा रही हो? आओ शर्त पूरी करो ना। अरे गीता, देख मैं तेरे लिए क्या लाया, देख। अरे क्या हुआ, तू रो रही है? क्या हुआ, तुझसे किसी ने कुछ कहा? बता ना, अगर ऐसा है तो उस कहने वाले का मुंह फाड़कर दरवाजा बना दूंगा। बता, किसने क्या कहा तुझसे? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर रो क्यों रही है? बताना, देख देख, मेरे से तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। बता बता। भैया, मैंने तुम्हें वचन दिया था ना कि हाफ ईयरली एग्जाम में मैं टॉप करूंगी। हाँ। मगर मैथ्स में मुझे 100 में से 2 नंबर कम मिले, इसलिए मैं सेकंड हो गई। 2 नंबर से तो सेकंड हो गई, मगर ये हो कैसे सकता? मैं जानता हूं कि तू मैथ्स में सबसे होशियार है, तेरे को 100 में से 100 मिलने चाहिए। ये कौन था, कौन है ये प्रोफेसर जिसने नंबर दिए? कौन है ये? वही प्रोफेसर भोसले, बता बता, वही ना भोसले। तुम अपने आप को लाडसा समझते हो क्या? अगर मेरी बहन को 2 नंबर मैथ्स में और दे देते तो क्या होता? तुम्हारा कलम घिस जाता, तुम्हारी उंगली टूट जाती। अरे पर भाई, तुम हो कौन? मैं गीता का भाई नरेश हूं। अगर तुमने मेरी बहन को 2 नंबर और नहीं दिए ना, तो मैं पता नहीं क्या 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 कर दूंगा। मेरी गर्दन छोड़ो। क्या कर रहे हो, इसमें इनकी क्या गलती है? जितना मैंने लिखा उस हिसाब से सर ने मुझे नंबर दिए। अरे बढ़ाया हिसाब वाला, बोलो 2 नंबर बढ़ाओगे या नहीं? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी बहन के सिर्फ 2 नंबर नहीं बल्कि 5 नंबर बढ़ा दूंगा बस। अब तो तुम्हारा काम हो गया ना, अब तुम जाओ। कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे बुला लेना। हाँ हाँ, बुला लूंगी। सर, भैया ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। दरअसल भैया मेरी थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। गीता बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा प्यार करने वाला भाई मिला है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। हाय भारती। हाय, हाउ आर यू मिसेस नंदी शंकर? फाइन। मैं बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, कैसा चल रहा है तुम्हारा रिसर्च वर्क? चल रहा है। अच्छा, सुनिए सुनिए, मिस भारती भारतीय नारियों पर रिसर्च कर रही हैं। मैं ये चाहती हूँ कि भारतीय नारी की आज क्या स्थिति है, इसके बारे में मिस भारती हमें कुछ बताएं। हाँ जरूर जरूर, बताओ नी पापा। पहली बात तो ये है कि हमारा समाज औरतों को सती तो धूमधाम से करता है मगर जीने का अधिकार नहीं देता। अरे वेट, अरे जरा तिक्खा तिक्खा चटनी लेके आओ नी, जाओ। तिक्खा है बाबा, तेरा लिमका पिएगा थोड़ा। आजाद हिंदुस्तान में कब तक गुलाम औरतें पैदा होती रहेंगी? अरे ओ वेटर, कब से समोसा बोला है नहीं, जल्दी लाओ बाबा। ओहो मिसेस गिडवानी, इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और तुम बीच में चिल्लाए जा रही हो। तो क्या करेगा बाबा, पकोड़ा छोड़ के क्या भाषण खाएगा? और कौन सा नया टॉपिक है? अरे औरतों के बारे में तो गांधी जी के टाइम से लोग बोलते चले आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ गया है। मेरी रिसर्च के मुताबिक औरतों की हालत में पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। अरे ये सब कहने की बातें हैं, सच्चाई तो ये है कि औरतों की हालत और बुरी होती जा रही है। अरे पहले तो औरत अकेले घूम फिर सकती थी, अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है बाबा, चोर डाकू लुटेरे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे मन का डर है। अरे अगर तू इतनी बहादुर है तो रात के 12 बजे नेशनल पार्क में जो गांधी जी की मूर्ति है नी, उसके गले में तू फूलों का माला डालकर आ सकती है क्या? ऑफ कोर्स बोलती है चड़ी। अरे अकेले जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अकेली जाऊंगी। तो ठीक है, मैं तेरे को 1000 रुपया देगी, और अगर तू नहीं जा पाई तो मैं आपको 1000 रुपया दूंगी। अरे भाई लोगों सुना, 1000 रुपया देगी, नलनी सुना, 1000 रुपया देगी, ला हाथ मिला। रात ਨੂੰ ਅੱਠ ਚ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਓ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਓ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਹੁਣ ਡਾਲ ਦੇ ਡਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਚ ਵਰ ਮਾਲਾ ਤੂੰ। अरे मेरे गले में डाल दो ना। अरे मेरे गले से गले से।
राठौर की इकलौती बहन। साले मैं थानेदार तो अंदर का है क्या? अंदर से छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। थैंक यू ना धन्यवाद, ऊपर से गाली देके जा रही हो। मैंने तुमसे बोला मेरी मदद करो, मेरी शर्त का सत्यानाश कर दिया। शर्त? अरे अगर मैं नहीं आता तो क्या हो जाता पता है? क्यों, क्या हो जाता? लोचा हो जाता। हाँ हाँ जा। मिर्ची, अगर सुनी सड़क पर कोई मवाली मिल गया ना काले बाल, तेरी पतली कमर फूलों की डाल, तेरी नागिन जैसी बहकी चाल, मेरे दिल को यूं न तड़पा। ऐसे मुझे ना आंखें दिखा, काहे अकड़ती है फुलझड़ी, ऐसे मुझे ना आंखें दिखा, काहे अकड़ती है फुलझड़ी, तू जो अपुन से टकराएगी, कर दूंगा मैं तेरी खटिया खड़ी। सुन ले जरा नखरे वाली, ऐसे में कोई मवाली, अरे सुन ले जरा नखरे वाली, ऐसे में कोई मवाली, आके जो तुझको दबोचा, हो जाएगा लोचा, हो जाएगा लोचा, लोचा 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 लोचा। चंद्रमुखी, अगर अकेले में कोई देवदास मिल गया ना।
कुछ लेती क्यों नहीं? अगर यही हाल रहा तो हो जाएगा लोचा। होठों पे है छल की शराब, होठों पे है छल की शराब, पीने तो दे मुझको जनाब। चिकना बदन महका शबाब, बाहों में भर लेने दे जनाब। पी ले तू भी जाने अदा, लूटेंगे फिर हम मिलके मजा। अंगूरी तेरी जवानी, अरे दे दे मुझे मेरी रानी। शराबी ने कर ऐसा सोचा, हो जाएगा लोचा, हो जाएगा लोचा, लोचा 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 लोचा। चारों तरफ है अंधेरा, ऐसे में कोई लुटेरा आके जो गालों को नोचा। हो जाए गलोचा। लड़ी ये 5 लाख रुपए सेठ ललवानी ने दिए। अरे ये मेरी शॉपिंग के लिए 10,000, अब इसमें रह गए सिर्फ 4,90,000। एक मिनट, अब इसमें रह गए 4,80,000। ओह थैंक यू डैडी। इस तरह इसका दिमाग खराब हो जाएगा, आप इसको इतने रुपए क्यों देते हैं? इसलिए कि जब से रजनी पैदा हुई है, मेरे स्मगलिंग के धंधे ने दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की है। अरे रजनी हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। क्यों बेटी? करेक्ट डैडी। ये अंदर रखो। जी डैडी। हेलो, मैं आपका 10 पैसे का पार्टनर बोल रहा हूँ। कौन पार्टनर? तमड़ी लाल। ओह साहिबों के साहिब, हाईवे से हमारा 25 लाख रुपए का माल आ रहा है और उधर ही पुलिस का सख्त पहरा है, कहीं हमारा माल। आज तक ऐसे हाथ पैदा नहीं हुए जो विकराल सिंह के माल को छू सकें। हमारा माल हाईवे से नहीं, जंगल के रास्ते से आ रहा है। अरे साले मेरी गाड़ी के नीचे मरने को है। क्या बोला बे? DIG444 यही नंबर है। अबे मैं क्या इधर खाना खाने का बैठा हूं? नीचे उतर। जी साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। आप यहां लेट के क्या कर रहे हैं साहब? तेरे को जेल में लेटाने की तैयारियां कर रहा था। नहीं साहब, ये लॉरी में स्मगलिंग का माल लेके जा रहा था। नहीं साहब, लॉरी में तो तरकारियां हैं साहब। खामोश, मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहा है? जानता मैं कौन? आई एम इंस्पेक्टर गुलशन, सिलेक्टेड विदाउट रिकमेंडेशन। चल पीछे। अबे मेरे पीछे नहीं, लॉरी के पीछे। उल्लू का पट्टा एक मारूंगा अभी। अबे जल्दी खोल। ये तरकारी है? कौन से खेत की तरकारी है? क्यों बे? गिरगुट की औलाद, साला हीरोइन की स्मगलिंग करता है और तरकारी बोलता है? मेरे को बेवकूफ बनाता है। चल चल अंदर चल। ये बंद करो ना। अरे इंस्पेक्टर, आई एम इंस्पेक्टर गुलशन, सिलेक्टेड विदाउट रिकमेंडेशन। उठाओ, मैं इसको थाने लेके जा रहा हूं। उठाओ। बंद करो। अबे क्या करता है? कभी गाज तोड़ के मैं बाहर निकल जाता तो। माफ करना साहब, इंजन में कुछ खराबी आ गई है। आप थोड़ी देर बगीचे में आराम कीजिए, मैं भी ठीक कर लेता हूँ। कौन सा बगीचे में? उस बगीचे में। चल जल्दी कर। जी। अरे ओ जीजा जी, हाय हाय, इतने दिन
रास्ते पर नहीं आए, कैसे हो जीजा जी? अरे कौन तेरा जीजी? खामा खा की रिश्तेदार बनती है, कौन तेरे रास्ते में आता है? हाय हाय, आज किसके लिए जाल बिछाया है? अरे जाल वाल नहीं बिछाया यार, इंजन खराब हो गया। राम राम राम, इंजन खराब हो गया? ऐसे मत देख, लॉरी का। लो खाओ। घोड़ा समझ रखा है क्या? फिलेट मारा है, मच्छर समझती है क्या मेरे को? अरे तू 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 सब भिगा दिया, तू मेरे पीछे हाथों की क्यों पड़ी है यार? अरे जीजा जी, आज तक जिसने भी मेरे साथ रिश्ता जोड़ा है उसने बहुत तरक्की की है, अगर तुम्हें भी बड़ा आदमी बनना है तो सोच लो जीजा जी। देख मैं तेरे को आखिरी बार कहता हूँ, अगर तू मेरे चक्कर में पड़ी ना तो ऐसे चक्कर में डाल दूंगा कि सारी जिंदगी चकरा दे, चक्रम की तरह चक्रम गएगी। इंस्पेक्टर साहब आइए, इंजन ठीक हो गया? आ रहा हूँ। अरे अरे जीजा जी, फिर कब मिलोगे? मरने के बाद 22 साल तक यहीं खड़े रहना, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, अरे 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 जीजा जी। सर 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 सर, क्या बात है? सर आपने मुझसे वादा किया था ना कि अगर मैं कोई बड़ा केस पकड़ूंगा तो मेरा प्रमोशन कर देंगे। सर मैं आज समझ लूंगा कमाल पकड़ा सर। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। तू क्या बीच में खड़ा है? खोलो बे। आई सर। What is this? इसमें तो स्मगलिंग का माल था। ये स्मगलिंग का माल भाजी तरकारी कैसे बन गया सर? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? सॉरी सर। क्यों बे? तूने सारा माल कब बदल दिया बे? क्या बात करते हैं साहब, 5 मिनट के लिए इंजन ठीक करने के वास्ते रुका था। आप ही बोलिए साहब, 5 मिनट के अंदर पूरे ट्रक का माल बदला जा सकता है? तुम्हें स्मगलिंग का माल पकड़ने के लिए कहा था और तुम ये लेके आ गए? नहीं नहीं, मैंने तो सर, आई एम इंस्पेक्टर गुलशन, सिलेक्टेड विदाउट रिकमेंडेशन। और अगर ऐसी हरकत करते रहे यू विल बी डिसमिस्ड विदाउट प्रमोशन, समझे? अरे खोलो खोलो, वाह 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 वाह, कमाल है साहबों के साहब, कमाल है, मान गए आपके दिमाग को, आप तो अकेले पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर भारी हो। अरे तमड़ी जी, एक बाप 10 बच्चे पैदा कर सकता है लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक बाप नहीं बना सकते। ओ हो हो, क्या पते की बात कही है। लेकिन साहबों के साहब, आज तो हम बच गए, अगर किसी दिन हमारा माल पकड़ा गया तो आप क्या करोगे? तुम बेवकूफ हो। आए, तुम जिससे ये सवाल कर रहे हो उसकी एक आंख सरकारी वकील है और दूसरी DSP। जब तक मेरे ये दोनों दोस्त मुझे शरीफ आदमी समझते हैं, मैं कोई भी गुनाह करूं वो हमेशा मेरी तरफदारी करेंगे। ओ हो हो हो, क्या सरकारी आंखें। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है आचार्य जी? समझ में नहीं आता विकराल सिंह जी, 2 दिन के बाद इलेक्शन है, इस बार मैं कैसे जीतूंगा? जब तक विकराल सिंह है आप इलेक्शन हार नहीं सकते, आप इलेक्शन जरूर जीतेंगे। लेकिन कैसे है? जगन्नाथपुर क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि वहां का एक आदमी भी मुझे वोट नहीं देगा। अरे आप कहें तो वहां इतने बम फिकवा दूं कि इलेक्शन के दिन कोई बाहर निकलने की हिम्मत ही ना कर सके। नहीं नहीं, ऐसा ना करना बेटे, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, फिर हो सकता है इलेक्शन ही कैंसिल हो जाए। ये इलेक्शन कैंसिल नहीं होगा आचार्य जी, समझ लीजिए कि आप इलेक्शन जीत गए, जगन्नाथपुर का एक आदमी भी वोट देने के लिए नहीं जाएगा। एक्सीडेंट हो गया? हाँ डैडी, 10 आदमी तो वहां स्पॉट पर ही मर गए। साला बस चोरी करके अपनी जेब भरना चाहता था? नहीं साहब, मैंने बस चोरी नहीं की, मैंने बस चोरी नहीं की, मुझे तो मालिक ने हुक्म दिया था कि जगन्नाथपुर के लोगों को मेला दिखा के लाओ। प्रहलाद भाई, अगर झूठी कहानी बनानी नहीं आती तो ऐसे में सच बोल देना चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं।
साला इतने शरीफ आदमी को बोलता कि तुम झूठ बोलो, तेरी इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत साहब मारे नहीं बेचारे को। इंस्पेक्टर तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सरकारी ऑफिसर का हाथ पकड़ लिया? हिम्मत तो इतनी है कि जालिम के हाथ के टुकड़े भी कर सकता हूँ। शट अप, तुमको मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? आई एम इंस्पेक्टर गुलशन, सिलेक्टेड विदाउट रिकमेंडेशन, एंड आई एम यूनियन लीडर नरेश, इलेक्टेड विदाउट एनी ऑपोजिशन। तुम कानूनी काम में टांग मत अड़ाओ। अजय साहब, इसकी औकात ही क्या है जो आपके काम में टांग अड़ा सके? आपके पास तो इतनी पावर्स हैं कि मंदिर मस्जिद में ताला लगाकर भगवान की आवाज को भी बंद कर दें। मिस्टर विकराल, भगवान के लिए उठने वाली गरीबों की आवाज को तो शायद आप दबा सकें, लेकिन भगवान की आवाज को नहीं रोक सकते, और वो आवाज गरीबों के सीने में रहती है। मिस्टर नरेश, ये तुम्हारे यूनियन का ऑफिस नहीं है जहां तुम भाषण दे रहे हो। तुम्हें जो कुछ कहना है कोर्ट में आकर कहना। इंस्पेक्टर साहब, आप देख क्या रहे हैं? आप अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए। चल बे, चल चल। ड्राइवर प्रहलाद, तुम पर इल्जाम लगाया गया है कि तुमने अपने मालिक की बस चुराई और शराब पीकर उसे चलाया, जिसकी वजह से उस बस का एक्सीडेंट हुआ। तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं जज साहब। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, यू कैन प्रोसीड विद द केस। रोज कितनी शराब पीते हो? जी मैं शराब नहीं पीता। झूठ मत बोलो, सब जानते हैं बस और लॉरी ड्राइवर कितने पियक्कड़ होते हैं। आई ऑब्जेक्ट मिस्टर जस्टिस, पीने की अगर लत पड़ जाए तो पुलिस वाले और वकील भी पियक्कड़ हो सकते हैं। इस तरह की दलील देना कि बस और लॉरी के ड्राइवर्स अक्सर पियक्कड़ होते हैं इसलिए प्रहलाद भी शराब पीता होगा, न सिर्फ जनरलाइजेशन है बल्कि इसमें क्लास प्रेजुडिस की बू आती है और इसीलिए काबिले एतराज है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मिस्टर जस्टिस। उस दिन तुमने शराब पीकर बस चलाई थी या नहीं? नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ एक्सीडेंट के दिन क्या पिया था? विस्की, ब्रांडी या ठर्रा? हाँ हाँ पिया था। क्या पिया था? आंसू। हम गरीबों को तो आंसू ही पीने की आदत होती है। जैसा अपनी गलती छुपाने के लिए मालिक ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने वो बस चोरी नहीं की थी। सच्चाई तो यह है कि मालिक के एक दोस्त है आचार्य जी, उन्हें डर था कि वो जगन्नाथपुर से एमएलए का इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए मालिक ने हमें हुक्म दिया और मजबूर किया कि इलेक्शन वाले दिन सारे वोटरों को बसों में भरकर हम रामनगर ले जाएं। अगर तुम्हारे मालिक ने गलत हुक्म भी दिया था तो तुम उसे मानने से इनकार कर सकते थे। तब हमारे बीवी बच्चों के ऊपर मुसीबत भी आ सकती थी। तो तुम डर कर ये काम करने के लिए तैयार हो गए? जी हाँ। और नहीं तो क्या करता? आप ही बताइए, अगर आपकी बीवी बच्चों पर किसी मुसीबत के आने का खतरा हो तो क्या आप दबाव में आकर कोई भी काम करने को तैयार नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर जस्टिस। कोई भी शरीफ इंसान अपने परिवार को खतरे से बचाने के लिए बुरे से बुरा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वो मतलबी है, खुदगर्ज है, नालायक है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर जस्टिस, ये है डॉक्टर का सर्टिफिकेट जिसे ये साबित होता है कि एक्सीडेंट वाले दिन ड्राइवर प्रहलाद के खून में अल्कोहल कंटेंट नहीं था। जज साहब, उस दिन इस ड्राइवर ने मेरे साथ बैठ के दारू पी थी। झूठ। जज साहब ये झूठ बोल रहा है, ये विकराल सिंह की चमचागिरी कर रहा है। नहीं 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 जज साहब, नहीं 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 नहीं। चुप। जज साहब, मैं अदालत में कुछ गवाह पेश करना चाहता हूं। इजाजत है? आ जाओ साहब, आओ। जज साहब, एक्सीडेंट वाले दिन ये सारे ड्राइवर विकराल सिंह के हुक्म से बसें ले गए थे। हां साहब, प्रहलाद निर्दोष है। निर्दोष है, निर्दोष है। विकराल सिंह दोषी है। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या जज साहब, कोई झूठ बोले तब भी आप ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं और कोई सच कहे तब भी आप ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं? अब आप ये बताइए कि आपको हमारी सच्चाई पे यकीन हुआ या नहीं? ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं मिस्टर जस्टिस। मुजरिम विकराल सिंह है, इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि उस एक्सीडेंट में जितने लोग मारे गए उनके परिवारों को विकराल सिंह से हर्जाना दिलवाया जाए। इसके अलावा जिस रूट का परमिट नहीं था उस पर बस चलाने के जुर्म में विकराल सिंह को सजा भी दी जाए। मिस्टर जस्टिस, मैं अदालत में कुछ और गवाह पेश करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त किस लिए? इसलिए कि आप अपनी ताकत और दोस्तों की दौलत के बल पर सबूत मिटा सकें, गवाहों को तोड़ सकें। शारदा। मिस्टर जस्टिस, सरकारी वकील साहब ये भूल गए हैं कि इनको वकील सरकार ने बनाया है, लेकिन ये वकालत अपनी दोस्त की कर रहे हैं और मोहलत महज इसलिए मांग रहे हैं ताकि सच्चाई का गला घोंट कर ये मुजरिमों को रिहा करा सकें और फिर इस गद्दारी की भारी कीमत वसूल कर सकें। शारदा। I'm sorry, Mr. Justice. मैं इस केस को मुलतवी करने की अपनी दरखास्त
वापस लेता हूं। सारे गवाहों और सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम प्रहलाद पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं, लिहाजा इन्हें बाइज्जत रिहा किया जाता है। ये अदालत विकराल सिंह को वार्निंग देती है कि आइंदा वो अपनी बसों को उन रूट्स पर न चलाएं जिनका उनके पास परमिट नहीं है। अदालत ये भी हुक्म देती है कि विकराल सिंह ड्राइवर प्रहलाद को 10,000 रुपए और एक्सीडेंट में हर मरने वाले के परिवार को 25,000 रुपए बतौर हर्जाने के दें। इसके साथ अदालत इलेक्शन कमीशन से यह दरखास्त करती है कि वो इस इलेक्शन की धांधली को मद्देनजर रखते हुए वहां फिर से इलेक्शन करने का हुक्म जारी करे। हाय डैड। इतनी देर कहां लगा दी? चाय लाओ। चाय क्यों, मिठाई मंगवाओ, सारे मोहल्ले में बांटो, केस जो जीत गई हो। डिफेंस लॉयर होने के नाते मेरा बहस करना गलत था क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन सबके सामने मुझे नालायक कहना, एक डरपोक पति का खिताब देना बिल्कुल जायज था। अरे बाबा, कोर्ट में बहस करते समय बहुत से सवाल पूछने पड़ते हैं, उसके लिए आप इतना बुरा क्यों मान रहे हो? तो क्या खुशियां मनाऊं? कोर्ट में घुसते ना जाने तुम पर क्या मस्ती छा जाती है, तुम ये भूल जाती हो कि मुखालिफ वकील तुम्हारा पति है। अदालत में अगर ये याद रखूं कि आप मेरे पति हैं तो प्यार उमड़ आएगा, आपसे बहस हरगिज नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हारी जैसी औरतों। हाँ, रुकिए मत भाई साहब, बोलते जाइए बोलते जाइए, मुझे अपनी रिसर्च के लिए कई पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैं इसीलिए आप लोगों के पीछे पीछे भागी चली आई ताकि ये जान सकूं कि पत्नी से मात खाकर पतिदेव कैसा महसूस करते हैं। वो ऐसा महसूस करता है। अरे पगली, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जीत पर सबसे ज्यादा खुशी होती है तुम्हारे भैया को। अच्छा? हाँ। ये बताइए भाई साहब, आपके हार जाने से आपके दोस्त नाराज नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, हमारी दोस्ती कोई लालटेन का कांच नहीं जो जरा सा गर्म सरद होने से चटक जाए। और फिर इसमें इनकी क्या गलती है? अरे जिन ड्राइवरों को मैंने बच्चों की तरह पाला, उन्होंने ही नरेश के भड़काने पर मुझे डस लिया, कसूर तो उनका है भारती। तो क्या आप अब भी ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है? शारदा इस वक्त अदालत के कटघरे में नहीं, अपने दोस्त के घर में है। करेक्ट, मैं यहाँ किसी केस के लिए नहीं बल्कि शादी का रिश्ता तय करने के लिए आया हूँ। किसकी शादी? मेरे बेटे मानिक और तुम्हारी बेटी अनु की शादी। अचानक ये ख्याल कैसे आया विक्रांत? देखो यार, कल जब अखबारों में इस केस की खबर छपेगी तो भारती की तरह बाकी लोग भी यही समझेंगे कि बस अब हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें इस बात को गलत साबित करना है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों की शादी जल्द अज जल्द हो जाए ताकि ऐसा सोचने वालों के मुंह पर भरपूर तमाचा पड़े। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा लेकिन वेकिन कुछ नहीं भाभी, बस आप पंडित को बुलाकर जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। हारने वाला जीतने वाले से रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन क्यों? रिसर्च के लिए ये भी अच्छा पॉइंट है। हाय। ओह, तुम यहाँ भी चली आई? आ गई तो क्या हुआ? अरे जवाब दो। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? हाय हाय, तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर मर मिटी हूँ। अरे जाओ, कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? अगर देखा होगा तो आईना भी गंदा हो गया होगा। तुमने कभी अपना चेहरा भी आईने में देखा है? हाँ देखा है, जब भी देखती हूँ मेरी खूबसूरती की चमक से आईना टूट जाता है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मिस इंडिया। और तुम क्या समझते हो अपने आप को? सुपरमैन। हाँ सुपरमैन। तो मैं भी मिस इंडिया। तो जा जा। अरे जा। अरे जा जा। अरे जा। Okay.
फंसाना चाहे लड़की कितनी होशियार है, मुझे फंसाना चाहे लड़की कितनी होशियार है, होश उड़ाए नींद चुराए इसके कातिल मैना। हाँ? चाहते हो कि बंटी जिंदा ना जले तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अंकल अंकल बचाओ।
फोन पे बात करना पसंद करोगे या इसकी चर्बी पिघलते हुए देखना चाहते हो? डीएसपी साहब मुबारक हो। अरे आइए आइए उमेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते शारदा जी। नमस्ते बाबू जी। नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? बंटी का है, उसका जन्मदिन है और वही नजर नहीं आ रहा। इन्होंने आज भी उसे स्कूल भेज दिया है। अरे आज भी स्कूल? आपका टेलीफोन है। एक्सक्यूज मी, हेलो, डीएसपी राठौर स्पीकिंग। डीएसपी साहब, आपका बेटा मेरे कब्जे में है। कौन हो तुम? नरेश। अगर आप अपने बेटे को जिंदा चाहते हैं तो 5 लाख रुपए काली गुफा के पास भेज दीजिए। शट अप, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? और अगर आपने पुलिस भेजी तो आपको अपने बेटे की जली हुई लाश मिलेगी। हेलो हेलो हेलो, बस अपना काम हो गया, तोते ने मिर्ची खा ली। नहीं भैया, आपने गलत सुना होगा, नरेश ऐसा नहीं कर सकता। वो बंटी की जान की कीमत 5 लाख रुपए मांग रहा है और तुम उसकी तरफदारी करने में तुली हो। भाई साहब, मुझे लगता है कोई नरेश को फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल हम इस बहस में क्यों पड़े राठौर, मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कर देता हूँ, रुपए भेजकर बंटी की जान बचा लो। नहीं विकराल, मैंने वर्दी मुजरिमों को कानून की चौखट पर झुकाने के लिए पहनी है, उनके सामने झुक जाने के लिए नहीं। सर, अगर आप हुक्म दे तो मैं शहर का चप्पा चप्पा छान डालूंगा और बंटी को उन बदमाशों को चुंगल से छुड़ा के ले आऊंगा। ठीक है, जल्दी जाओ। थैंक्स। हरामजादे, अगर मारना ही है तो मेरी जान ले ले, मगर बंटी को छोड़ दे, ताकि बंटी पुलिस को सब कुछ बताकर हमें फांसी पर लटकवा दे। मिस्टर नरेश, विकराल सिंह का बेटा हरामी और कमीना जरूर हो सकता है, लेकिन बेवकूफ नहीं। मुझे मालूम है ईमानदार डीएसपी साहब कभी रुपए नहीं भेजेंगे, अगर यहाँ आएगी तो सिर्फ पुलिस ही आएगी और उसे बंटी की जली हुई लाश मिलेगी। तुम पर बंटी को किडनैप और मर्डर करने का इल्जाम लग जाएगा, फिर तुम इस तरह उल्टे नहीं सीधे फांसी पे लटका दिए जाओगे। कैसा लगा मेरा प्लान? अगर फरार होने की कोशिश करोगे तो गोली मारकर मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं फरार नहीं हो रहा हूं, यह बच्चा बेहोश हो गया है, मैं इसे अस्पताल ले जा रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, अस्पताल ले जा रहे थे? ड्राइवर हो ना, इसलिए फौरन स्टीयरिंग घुमाकर बात का डायरेक्शन बदल दिया। फोन पे जान से मारने की धमकी देते और पकड़े जाते हो अस्पताल जाने का बहाना करते हो। गिरफ्तार कर लो उसको। गिरफ्तार करना है तो मानिक और उसके इन गुंडों को करो जिन्होंने ये जुर्म किया है। शट अप, मुझे कानून सिखाने की कोशिश मत करो। आई एम इंस्पेक्टर गुलशन, सिलेक्टेड विदाउट रिकमेंडेशन। ए सबको गिरफ्तार करो, चलो 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 चलो। वाह
भैया की शादी का कार्ड तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी शादी का कार्ड इससे भी ज्यादा शानदार होगा। डैडी, क्या हुआ मनी बंटी? तुम्हें ये चोटी कैसे लगी? डैडी मुझसे गलती होगी, डैडी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए डैडी। पर भैया हुआ क्या? तुम पहले डॉक्टर को फोन करो। ओके डैडी। ओके। राठौड़, राठौड़। अरे क्या हुआ? गजब हो गया यार वो। एक्सक्यूज मी भाभी, एक मिनट सर मेरे साथ आना। मैं तुम्हारे पास बोलता हूँ। क्या कर रहे हो? मेरी इज्जत बचा लो, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो। अरे पर हुआ क्या, कुछ बता तो सही, हुआ क्या है? देखो तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। बंटी को नरेश ने नहीं, मेरे बेटे मानिक ने किडनैप किया था। क्या? हाँ, मानिक मेरे अपमान का बदला नरेश से लेना चाहता था, इसीलिए उसने बंटी को जान से मार देने की धमकी देकर नरेश से जबरदस्ती तुम्हें फोन करवाया ताकि वो पब्लिक और पुलिस की नजरों में मुजरिम बन जाए और इसी बहाने हम उसे नौकरी से निकाल सके। देखो उसकी शादी के कार्ड आज ही छप कर आए हैं। अगर मेरा बेटा जेल चला गया तो याद रखना, तुम्हारे दो दोस्तों के घरों में जहां शहनाइयां बजने वाली थी वहां मातम छा जाएगा। राठौर हमें बचा लो प्लीज। तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है दोस्त, समझ में नहीं आता क्या करूं। याद है तुम मुझसे हमेशा पूछा करते थे कि मैंने बचपन से तुम्हारी मदद करके तुम्हें इतना बड़ा आदमी बनाया, मैं तुम्हारा कर्जा कैसे चुका सकता हूं, पूछा करते थे ना? दोस्त आज वो दिन आ गया है, तुम मेरी इज्जत बचा लो वरना मेरे सामने आत्महत्या करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, तुम अपने लोगों को संभालो, बंटी को मैं समझा दूंगा। थैंक यू। बंटी बेटी कैसे हो? घबराइए मत भाभी जी, बंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आपका भाई? अभी अभी। मैं बंटी से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, आप लोग जरा। जरूर। बंटी, बंटी बेटे, जो मानक ने तुम्हारे साथ किया ना वो मजाक में किया था, इसलिए तुम कोर्ट में कहना कि वो तुम्हें उठाकर नहीं ले गया था, वरना उसकी शादी रुक जाएगी और उसे जेल जाना पड़ेगा, समझ गया ना? ओह माय गॉड, इसकी आवाज चली गई। डॉक्टर, तुम बंटी को उठाकर क्यों ले गए थे? ये सवाल आप इससे पूछिए। मुजरिम तुम हो, आपके पास क्या सबूत है कि मुजरिम मैं हूं? ज्यादा अकलमंद बनने की कोशिश मत करो, अगर तुमको रकम नहीं मिलती तो धमकी के मुताबिक तुम बंटी को मार डालते। आई ऑब्जेक्ट मिस्टर जस्टिस, इस केस में दो मुजरिम हैं, दोनों से पूछताछ किए बिना किसी एक को मुजरिम ठहरा देना सरासर बेइंसाफी है। सरकारी वकील के रवैये से यह साफ जाहिर है कि ये कानून का फर्ज निभाने के बदले दोस्ती का कर्ज अदा कर रहे हैं। ये सरासर झूठ है मिस्टर जस्टिस, मैं अदालत में रिश्ते नाते और जज्बात को नहीं सिर्फ सच्चाई और इंसाफ को अहमियत देता हूँ। कितनी अहमियत देते हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, दाई से दुल्हन का पेट नहीं छुपता। शारदा, तुम्हारे मुंह में जो आता बोलती चली जाती हो, तुम्हें अपने पति की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? आप ये फिर भूल रहे हैं कि ये घर नहीं अदालत है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर जस्टिस, खामखा की बहस करने के बजाय इस केस के चश्मदीद गवाह बंटी से असलियत पूछ लेना ज्यादा बेहतर होगा। मिस्टर जस्टिस, बंटी गूंगा हो गया, वो क्या गवाही देगा? लेकिन उसके हाथ पांव आंखें तो सही सलामत हैं, वो इशारे से तो बता सकता है कि मुजरिम कौन है। बंटी को हाजिर किया जाए। बंटी बेटे, इन दोनों में से तुमको कौन उठाकर ले गया था? जिसकी तरफ इशारा करके पूछूं अगर वो है तो ऐसे सर हिलाना, और अगर नहीं तो इस तरह सर हिलाना। ऐसे ऐसे सर हिलाने की क्या जरूरत है, मैं गूंगा थोड़ी हूँ। तो फिर तुमने गूंगा बनने का नाटक क्यों किया? इसलिए कि पुलिस मेरे से झूठा बयान न दिलवा दे। मिस्टर जस्टिस,
बंटी ने यह नाटक मेरे इशारे पर ही खेला ताकि एक निर्दोष को बचाया जा सके। अब इस बच्चे से खुद ही पूछ लीजिए कि मुजरिम कौन है। बंटी, तुम्हें कौन उठाकर ले गया था? ये मानिक। इस बच्चे की गवाही सुन लीजिए साहब। अगर मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर बंटी को ना बचाया होता तो ये पुलिस वाले मुझे कसूरवार ठहरा देते, मेरी हड्डी पसली तोड़कर मुझे जेल में बंद कर देते, और अगर किसी वजह से बंटी की जान चली जाती तो ये लोग मुझे फांसी चढ़ा देते। तब सिर्फ एक बेगुनाह की ही नहीं बल्कि इंसाफ और कानून की भी मौत हो जाती, और उस मौत के हुक्मनामे पर आपके ही दस्तखत होते जज साहब। यह तो भला हो शारदा देवी का जिन्होंने सच्चाई को सामने लाकर ना सिर्फ मेरी जिंदगी बचा ली बल्कि अदालत को भी मुजरिम होने से बचा लिया। चश्मदीद गवाह बंटी की गवाही से यह साबित हो चुका है कि मुजरिम मानिक है, लिहाजा मिस्टर नरेश को बाइज्जत रिहा किया जाता है और मानिक को 1 महीने की सजा बामुशक्कत दी जाती है। सुजी को लिखा? मोटी वाली ना? हाँ। बंद करो ये सब और आप लोग जाएं यहां से। आई से गेट आउट, गेट आउट। पर किसी को भी कार्ड भेजने की जरूरत नहीं है। पर हुआ क्या डैडी? ये शादी कभी नहीं होगी। मगर क्यों? जिस दामाद के पांव धोकर हमें कन्यादान करना चाहिए था उसी के हाथों में तुम्हारी मां ने हथकड़ी पहनवा दी। क्या मैंने गलती की? तुम क्यों गलती करने लगी? तुम्हें तो इंसाफ चाहिए, धर्म चाहिए, अपनी बेटी की जिंदगी भले तबाह और बर्बाद हो जाए। उस जैसे बदमाश लड़के के साथ शादी करा देने से अन्नू की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो असलियत सामने आ गई। मैं खुश हूँ कि अन्नू की शादी उस लड़के से नहीं होगी। शादी उसी के साथ होगी, आज नहीं तो 6 महीने बाद होगी। मैं किसी भी कीमत पर अपनी दोस्ती खत्म नहीं कर सकता, समझी? जुर्म करने वाले आपके दोस्त बने रह सकते हैं लेकिन इंसाफ दिलाने वाली पत्नी आपको दुश्मन दिखाई देती है। मैं ऐसी जिंदगी से। हाँ हाँ बोलो बोलो, चुप क्यों हो गई? अदालत में तो मेरा मजाक उड़ाती रहती हो, आज औलाद के सामने भी जो कुछ कहना है साफ साफ क्या क्यों नहीं देती? तुम यही कहना चाहती हो कि तुम ऐसी जिंदगी से तंग आ? छोड़ो।
रहेंगे कैसे दिल भर हम जुदा। जाने मन तेरे प्यार में खो गए पहले दिल दिल से जा जा से जाने जा हो गए। नीचे उतरो। ये क्या मजाक है, इस तरह अचानक स्कूटर आके रोक दिया, ब्रेक फेल हो जाता तो क्या करूं? जब कोई अच्छी खबर होती है तो दिल करता है तुम्हारे पास उड़कर पहुंच जाऊं। क्या है वो अच्छी खबर? मैं कस्टम ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हो गई हूं और 6 महीने ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रही हूं। बच गए, अब 6 महीने तक आराम से जी सकेंगे, मैं ही नहीं सारा शहर। अच्छा, इतने तंग आ गए हो मुझसे? अरे 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 पार्टी होनी चाहिए और मैं पानी पूरी। ठीक है बाबा ठीक है, को अपनी अपनी पसंद की चीजें मिल जाएंगी। चलो 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 चलो, अरे लाओ कोल्ड ड्रिंक, लाओ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लो बच्चों, कोल्ड ड्रिंक लो, एक एक सब ले लो, कोल्ड ड्रिंक चाहिए ये लो। मैंने कहा भाई इतने दिनों बाद मिले हैं तो ये सब तो होना ही चाहिए ना, लेकिन आप तीनों की दोस्ती इस दुनिया के लिए सचमुच एक मिसाल है। इनके बच्चे को आपके बेटे ने किडनैप किया, फिर भी इन्होंने आपको माफ कर दिया, और ये जो इंसाफ का गला घोटना चाहते थे आपने वकील होकर भी इनका साथ दिया। इनके बेटे को जेल भिजवाने के बावजूद इन्होंने मुझे माफ कर दिया क्योंकि मैं इनके दोस्त की पत्नी हूँ। वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। ताने देने की कोशिश मत करो, तुम हमारी दोस्ती नहीं समझोगी। वकील साहब नमस्ते, 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 नमस्ते। नरेश यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। हम दोस्तों के बीच में कोई पर्दा नहीं है, जो भी कहना सबके सामने कहो। आपका बेटा अशोक और मेरी बहन गीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं अपनी बहन का आपके बेटे से रिश्ता मांगने आया। इस घर में आकर ये बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ हिम्मत दिखाने नहीं बल्कि एक बड़ा भाई होने के नाते सर झुकाकर रिश्ता तय करने आया हूँ। रिश्ता? एक मामूली बस ड्राइवर अपनी बहन को एक रईस इज्जतदार पब्लिक प्रोसिक्यूटर के घर की बहू बनाना चाहता है। मिस्टर, बड़े घरों से रिश्ता जोड़ने के लिए हैसियत चाहिए, दौलत चाहिए। मेरी बहन गंगा की तरह पवित्र है, उसकी नेकी और पवित्रता ही मेरी दौलत और दहेज है। जाओ जाओ, मैंने ऐसी नेकी और पवित्रता बहुत देखी है, ये रिश्ता नहीं होगा। ये आपको कहने का अधिकार नहीं है, इसका फैसला वकील साहब को करना है। मेरे दोस्त का फैसला मेरा फैसला है, तुम्हारी बहन इस घर की बहू नहीं बन सकती है। शारदा जी, क्या आपका भी यही फैसला है? यह अदालत नहीं जहां तुम्हारा साथ देने की गलती करेंगी, ये मेरा घर है, यहां वही होगा जो मैं कहूंगा। अशोक तुम क्या कहते हो? मेरा बेटा मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकता, समझे? अब तुम जा सकते हो। सबके फैसले सुन लिए ना, अब शराफत से चले जाओ वरना धक्के मार कर निकाल दिए जाओगे। ठीक है, आज मैं इस घर से बेइज्जत होकर जा रहा हूं, लेकिन यह मेरा दावा है कि वो दिन जरूर आएगा जब मैं इस घर में आऊंगा और आप लोग हाथ जोड़कर मेरा स्वागत करेंगे। डैडी, मैं गीता से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। शट अप! जिसकी वजह से तुम्हारी बहन की डोली इस घर से नहीं उठ सकी, उसकी बहन की डोली इस घर में कभी नहीं आ सकती। जा यहां से। I said go! देखा? देखा कैसे जबान चलाने लगा है? जबान ये चला रहा है, लेकिन लफ्ज उस लड़की के हैं जिसकी मोहब्बत का जादू इसके सर चढ़ा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, देखना मैं अशोक के सर से वो जादू कैसे उतारता हूं। अशोक को उस लड़की से घिन हो जाएगी और वो फिर से हमारा हो जाएगा। छोड़ो,
कन्फेशन तैयार करो। छोड़ो, क्या बदतमीजी है ये? चुप रे, अशोक से प्यार करती है, उससे शादी करेगी। आज मैं तेरी वो हालत बनाऊंगी कि अशोक को तुझसे घेर आने लगेगी। लाओ। Get up. Come on. छोड़ो। दोस्तों, आज नरेश भैया क्या है? कसीनो में कुछ गुंडे तुम्हारी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं। गोली मार दूंगा। चल अब पकड़ ले इसे। चल अब। कबूल कर के तू होटल लूटने गया था। लूट मार तेरा धंधा है। तू पेशावर गुंडा है। नहीं, गुंडा मैं नहीं, गुंडा विकराल सिंह है जिसकी तुम झूठन खाते हो। जैसा मैंने कहा अगर वैसा तूने कबूल नहीं किया तो जानता है मैं तुझ पे क्या चार्ज लगाऊंगा? कि तू अपनी बहन से ट्रक का धंधा करवाता है। नहीं! तू उससे होटल में कैबरे करवाता है। गली ने, मैं तेरी जबान काट डालूंगा। तू अपनी बहन की कमाई खाता है। नहीं! तू उसका दलाल है। नहीं! कबूल करता हूं, आज से मैं गुंडा हूं, मैं बादशाह हूं, मुकद्दर का बादशाह, और आज से मेरा अपना कानून होगा, मेरे अपने फैसले होंगे। और मेरा पहला फैसला यह है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ केस फाइल किया तो मैं तुम्हारे सीने में नाखून धंसाकर तुम्हारा सीना फाड़ दूंगा। बादशाह, मुकद्दर का बादशाह तुम। विकराल सिंह, तूने राखी के धागे पर दाग लगाने की कोशिश की है। मैं तेरी जिंदगी में अंगारे भर दूंगा। मुझे मत मारो। दौलत की बैसाखी के सहारे चलने वाले अपाहिज इंसान, तेरे लिए सबसे बड़ी सजा यह होगी कि तुझसे दौलत की बैसाखी छीनकर तुझे जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया जाए। यही है ना वो ताकत जिसके जोर पर तू कानून और पुलिस को अपनी तरफ खींच लेता था।
अब ये ताकत मेरे पास है, इसलिए मुझसे टकराना मत और ना ही मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत करना, वरना शहर में तेरी जितनी बसें हैं ना, उनकी नंबर प्लेटों पर तेरी लाश का एक एक टुकड़ा लटका दूंगा। और याद रखना, ये मेरी पहली किश्त है। बेवकूफ बना रही है, बोलता है रुपए चोरी हो गए, चोरी हो गए, अबे चोरी हो गए, चोरी हो गए, अबे अबे झूठ बोल रही है, चोरी हो गए, झूठ बोलता है। मारो मत मुझे सर जी, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मैं आपके रुपए चुकाने आ रहा था, रास्ते में मेरी जेब काट ली किसी ने, ये झूठ बोल रही है, आज मैं तेरी चमड़ी उठा के दूँ। बादशाह, मुकद्दर का बादशाह। नमस्ते साहब। तुम जाओ भैया, तुम्हारा कर्ज मैं चुकाऊंगा। धन्यवाद साहब। जाओ। हाँ, जाओ 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 जाओ। आप मेरे घर पधारे, मैं धन्य हो गया। आइए आइए। हम तुम्हें धन्य करने नहीं, कंगाल करने आए हैं। हमने एक दुर्गा का मंदिर बनाया है, जिसमें तुम जैसे कमीनों के पाप धोने के लिए एक दान पेटी भी है। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तन का है तू गोरा, मन का है काला, ओम जय जगदीश हरे। बोलो मुकद्दर के बादशाह की जय। जय। ये किस लिए? तुम्हारे इन कपड़ों से गरीबों के खून की महक आती है, इसलिए ने उतार कर ये पहन लो, ताकि तुम्हें पवित्र करके तुमसे 10 लाख रुपए का दान दिलवाऊं। 10 लाख रुपया? मैं इतना रुपया नहीं दे सकता। नहीं दे सकते? नहीं। ये क्या है? ये भगवान शंकर की तीसरी आंख है। अगर तुमने 10 लाख रुपए दान में नहीं दिए तो तुम्हारे माथे पर तीसरी आंख बना दूंगा। इस तरह जबरदस्ती दान करवाना मैंने आज तक नहीं देखा। यह मुकद्दर के बादशाह का स्टाइल है। अगर मैंने तुम्हें इसी तरह ले जाकर दान करवाया तो लोग इसे गुंडागर्दी कहेंगे, इसलिए तुम्हें भक्त बनकर मेरे साथ चलना होगा। ले जाओ इसे। चल। क्या जबरदस्ती है? भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद। अब कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई उल्लू का पट्टा सरसों के खेत में खड़ा हुआ है। अरे माथे पे तिलक लगाओ। जगदम्ब। अब कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी चोर ने देवी माँ का सिंदूर चुराकर माथे पर लगा लिया हो। अभी इसके श्रृंगार में कुछ कमी है। अब कैसे लग रहा है? अब एकदम चुगत राम चौरंगी चारपाई वाला लग रहा है। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे। अपना धन दान पेटी में डालो। डालो। ऐसे नहीं सेठ, ऐसे। दाता का शुभ नाम दमड़ी लाल। बोलो सूदखोर दमड़ी लाल की जय। मैं तो कंगाल हो गया। बोलो कंगाल दमड़ी लाल की जय। देहया, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे जन्म दिया ना? बोल कौन है, बता कौन है वो?
मेरी तोड़ से जन्म क्यों लिया? छोड़ दे मुझे। क्यों मारे इसे? मैं तुझे काट दूंगी जिंदा, मार डालूंगी तुझे। क्यों मारे इसे? आपकी बेटी मां बनने वाली है। किसका बच्चा है? कौन है? बताती क्यों नहीं? बताओ ना, कौन इसका बाप? मैं बताता हूं, ये बच्चा मानिक का है। क्या मत रो बेटी, क्यों मारा इस बेचारी को? जब किसी के साथ शादी पक्की हो जाती है तो मिलना जुलना तो शुरू हो ही जाता है। हां, इन दोनों से इतनी गलती जरूर हुई कि ये कुछ ज्यादा ही बहक गए। हम भी तो कभी कभी बहक जाते हैं, क्यों भाभी? वरना आप मानिक को जेल क्यों भिजवाती? खैर, फिक्र की कोई बात नहीं, दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। अनु सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, मेरी बहू भी तो है। विकराल, थैंक यू। नमस्ते वकील साहब। ये सब क्या है? उस दिन जब मैं इस घर में अपनी बहन की शादी के लिए आया था तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया गया था, मेरी बेइज्जती की गई थी और मुझसे कहा गया था कि बड़े घर से रिश्ता जोड़ने के लिए हैसियत चाहिए, दौलत चाहिए। आज मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं आपकी और आपके इस दोस्त की हर मांग पूरी कर सकता हूं। अपने दोस्त से पूछ लीजिए कि अगर यह सब कुछ कम लगता हो तो मैं पलक झपकते ही यहां दौलत के ढेर लगा दूंगा। आपके दोस्त की खामोशी से ऐसा लगता है कि यह दौलत शायद उनकी औकात से बहुत ज्यादा है, इसलिए अब उन्हें शादी से कोई एतराज नहीं। पंडित जी, मंगनी की रस्म शुरू कीजिए। शुक्लाम वरधरं देवम। शारदा जी, शगुन लीजिए। आओ मां, चलो। रुक जाओ। अगर आप लोगों ने ये रिश्ता मान लिया तो समझ लीजिए कि अनु जो बिन ब्याही मां बनने वाली है उसकी तकदीर फूट जाएगी। सब कुछ होने के बावजूद मैं अपनी दोस्ती की खातिर और अनु के आंसुओं पर तरस खाकर इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए राजी हो गया, लेकिन अगर इस गुंडे की बहन इस घर में बहू बनकर आई तो मेरा बेटा इस घर का दामाद नहीं बनेगा। बोलो विजय सिंह, तुम्हारा क्या फैसला है? ले जाओ ये सब, ये शादी नहीं होगी। मिस्टर नरेश, तुम अगर मुकद्दर के बादशाह हो तो मैं अक्ल का शहंशाह हूं। अब भले तुम सारी दुनिया जीत लो, लेकिन जो जख्म मैंने तुम्हें दिया है वो तुम्हें जिंदगी भर तड़पाता रहेगा। तुम इस घर में अपनी बहन की शादी कभी नहीं कर पाओगे। गेट आउट। तूने इस बेबस लड़की के आंसुओं को ढाल बनाकर मुझ पर वार किया है और मेरी बहन की शादी रुकवा दी, लेकिन याद रख, चांद में ग्रहण सिर्फ थोड़ी देर के लिए लगता है। विकराल, सूरज आसमान के बजाय धरती की कोख से जन्म क्यों ना ले, मेरी बहन इस घर की बहू बनेगी, ये मेरा चैलेंज है। जिसकी मां की वजह से मुझे हथकड़ी पहननी पड़ी हो उस दुश्मन की बेटी से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। देखो बेटा, दुश्मन बनकर किसी को अमृत भी नहीं पिलाया जा सकता, लेकिन दोस्त बनकर जहर पिलाना भी आसान हो जाता है। हाँ भैया, डैडी ठीक कह रहे हैं, मान लो ना इनकी बात। आनंदमय स्वम ब्रह्ममय त्वम सच्चिदानंद द्वितीयोसि त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि। सुखी रहो। सासु जी, तुम अपने दामाद को नहीं यमराज को आशीर्वाद दे रही हो। ए?
झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मम्मी डैडी बजाओ। चुप, उठ उठ। अरे आंटी तो क्यों रे जवां मर, तुझ पर 10 लड़कियां लाई मारती हैं और इस नकली पिस्तौल से डर गया। मम्मी डैडी, मम्मी डैडी। क्या हुआ भाभी? अरे भारती कब आई? अभी आई। कौन? भैया। अरे भारती तुम, देखा यूनिफॉर्म में कितनी शानदार लग रही है। हाँ। अब तुम्हें पागल करने वाली भारती कोई नहीं कहेगा, बल्कि सब इज्जत से कहेंगे कस्टम ऑफिसर भारती राठौड़। है भैया। अरे ठहर जा, अबे रुक रुक, नीचे उतर नीचे उतर। अबे नीचे उतर। अरे सलाम साहब। चुप, कोई सलाम वलाम नहीं, मस्का मत लगा। तेरे मालूम है जगह पे इंस्पेक्टर गुलशन की ड्यूटी है, फिर भी तू स्मगलिंग का माल विदाउट टेंशन के लेके चला जा रहा है। स्मगलिंग का सामान नहीं है साहब, लारी में तरकारियां हैं साहब। क्या तरकारियां हैं साहब? तरकारी? एक दिन तरकारी का नाम लेकर एक आदमी मेरे बहुत लंबी सींडी लगाया था। मैं नहीं था वो। मैं, मेरे को मालूम है तू नहीं है, मगर मैं तेरे को सीधा एसपी साहब के पास लेके जाऊंगा। बैठ। ठीक है साहब। चल ऊपर जल्दी, स्टार्ट निकलना पे। अबे अबे फिर झटका खा रही है ये। तुम लोग की गाड़ी जैसी चेकपोस्ट पार करती झटके क्यों करने लगती है? इस बात की गहराई में जरूर किसी 420 का कचरा है। नहीं साहब, डीजल में कुछ कचरा आया होगा साहब। आप बगीचे में बैठिए, मैं अभी ठीक कर लेता हूँ। फिर बगीचे में बैठू? जी साहब। कोई फांदीबाजी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं साहब। मैं तो बहुत मारूंगा। अच्छा साहब। चल ओ जीजा जी। तो फिर आ गई? आओ ना। क्या बेशर्मी है यार, फिर से तुम्हारा इंजन खराब हो गया क्या? ए, लड़की मुंह संभाल के बात करा। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? अरे मुझे देख के तुम्हारा इंजन खराब हो जाता है। लो, अरे हाँ। आओ ना। इंजन की तरह चिपकने की कोशिश क्या कर रही है? मुझ पे तेरा कोई जादू चलने वाला नहीं है। आई एम इंस्पेक्टर गुलशन, सिलेक्टेड विदाउट रिकमेंडेशन। क्या ये कौन चिपक रहा है यार? अरे बाप रे बाप, अरे मैं दोबारा इस मोहल्ले से नहीं गुजरूंगा। अरे तू मेरा पीछे छोड़, नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या साहब? कुछ नहीं मेरी माँ, तू जीते में हार गया। मैंने पकड़ा सर, पूरी लॉरी स्मगलिंग के मामले में। एक मिनट, इसमें तरकारियां तो नहीं है ना? अरे नहीं सर, वो एक बार मिस्टेक हो गई। मैं कौन? आई एम इंस्पेक्टर गुलशन, सिलेक्टेड विदाउट रिकमेंडेशन। अच्छा सर, बिल्कुल हाई सर, पूरा भरा हुआ सर, सब स्मगलिंग का माल है। ये देखिए सर, ये शाबाश, पिछली बार शाकाहारी माल लेकर आए थे, इस बार मांसाहारी लेकर आए। तुम अरे मंगल क्या हुआ तुम्हें? माल कहाँ है? मैं बताता हूँ। कौन है? बादशाह, मुकद्दर का बादशाह। याद है उस दिन तुमने कहा था कि मेरी बहन सरकारी वकील के घर की बहू नहीं बन सकती? मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि जब तक तुम खुद मेरी बहन को उस घर की बहू बनने की दावत नहीं दोगे, मैं तुम्हें इसी तरह डंक मारता रहूंगा। मैंने तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, इसीलिए तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। लेकिन याद रखो, शेर जब बदन सिकोड़ता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो पीछे हट गया, बल्कि वो छलांग लगाने वाला होता है। शेर जब छलांग लगाए तो उसका पेट चीर देना और आसान हो जाता है। याद रखना, ये मेरी दूसरी किश्त है। मैं ड्राइवर भी रह चुका हूं विकराल, मुझे रिवर्स गियर डालना आता है। फिर से ऐसी गलती की तो अगली बार मेरी गोली तुम्हारे सीने में धंस जाएगी।
मैडम ये उन लोगों की फाइल है जिन पर स्मगलिंग करने का शक है, लेकिन ये लोग आज तक पकड़े नहीं गए। इकराल सिंह ये बहुत ताकतवर आदमी है, इसको हम टच नहीं कर सकते। अच्छा, सेठ दमड़ीलाल ये विकराल सिंह का दाहिना हाथ है। तो विकराल सिंह का बायां हाथ कौन है? इंस्पेक्टर गुलशन। हे मां लक्ष्मी, तू तो जानती है कि बेईमानी अगर ईमानदारी के फ्रिज में रहे तो सुरक्षित रहती है, इसीलिए मैं थोड़ी सी ईमानदारी कर लेता हूं ताकि वर्दी शरीर से चिपकी रहे, और डट के बेईमानी करता हूं ताकि मेरी तिजोरी भरती रहे। तो मां, मेरी इस तिजोरी को दुनिया की और सरकार की बुरी नजर से बचाना। मैं बचाऊंगा। कौन है भाई? बादशाह, मुकद्दर का बादशाह। आप आइए आइए आइए। ये सब क्या है? जब मैं लोगों से दान करवाता हूं तो सबसे पहले उन्हें पीताम्बर पहनवाता हूं, इसलिए यह है। तुम्हें अपना सारा धन दुर्गा मां के मंदिर की दान पेटी में डालना होगा। नहीं नहीं, मेरे जैसे आदमी को जरूरत नहीं है, मैं तो रोज दान पेटी में 10 पैसे डाल देता हूं। हराम में लाखों कमाते हो और दान देते हो 10 पैसे? कौन कहता है मेरी कमाई हराम की है? खून पसीने की कमाई है मेरी। अच्छा, इंस्पेक्टर के अत्याचार और भ्रष्टाचार के गवाह हाजिर हो। आई 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 आई, खोल दो इनका कच्चा चिट्ठा। भूल गए साहब, आप ही ने तो कहा था कि चांदनी सनीमा के पास लोगों की पॉकेट मारा करो और उसमें से आधा मुझे दिया करो, सो मैं देता रहा। अबे ए इंस्पेक्टर साहब, मेरे को जेल में बंद करने का धमकी देकर मेरी सारी कमाई लूटता रहा। अरे कल रात को भी तूने मेरे को बुलाकर क्या कर रहे हो? मेरे पास बहुत से ऐसे गवाह हैं जिनकी गवाही सुनकर तुम्हारा डिपार्टमेंट खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतार देगा। बुलाऊं? नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन मेरी वर्दी मत उतरवाइए। तो ये धोती पहन लो, ले जाओ इसे। आइए आइए, पधारिए 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 पधारिए। जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश। कैसा लग रहा है ये? अभी तक भक्त का पूरा रूप नहीं आया। अच्छा, पकड़ो। अब कैसा लग रहा है? पूरा मुर्गी चोर लग रहा है। और अब कैसे लग रहा है? अब जैसे शमशान घाट का भिखारी भजन गाने के लिए आया हो। ए, तुम अपना सारा धन तिजोरी से निकाल के हमारे साथ चलो। चलो आइए उसे। इससे पहले इस तरह इतने सारे लोगों ने कभी जय जयकार की है तुम्हारी, तो फिर रोते क्यों हो? तुमने जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुम्हें। डालो डालो इसमें। दस साल की कमाई 10 लाख रुपए 10 सेकंड में चली गई। ये लो 10 रुपए घर जाने के लिए। ऑटो रिक्शा मंगाओ। आइए दादा, दानवीर गुलशन जी की जय। गुलशन जी की जय। दानवीर गुलशन जी का। आइए आप लोग लाइन में सीधे खड़े हो जाइए। आप लोगों के लिए जो नरेश जी ने मकान बनवाए हैं, अभी नरेश भाई जी आकर आप लोगों को उन मकानों के कागजात देंगे। विजया भाई, मुमताज बेगम,
ये जायदाद और रुपए तुम्हें कहां से मिले? कौन हो तुम? नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। देना पड़ेगा, इसलिए कि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूं। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम कुछ ही दिनों में इतने अमीर कैसे हो गए कि लोगों को मकान तक मुफ्त में बांटने लगे और खुद इतने आलीशान बंगले में रहने लगे। बताओ कहां से आई इतनी दौलत? भैया, यही सवाल मैंने तुमसे बार बार पूछा, लेकिन हर बार तुमने मुझे डांट कर चुप करा दिया। क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, इसीलिए ना। लेकिन भारती को तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है, इससे तुम्हें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कुछ छुपा रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि वो बात गलत है। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि जिस आग से चिंगारियां उड़ती हैं, उसे भी तो छुपा कर रखा जाता है। अपनी तसल्ली के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी आत्मा मुझे धिक्कारे। तुमने अपनी आत्मा को धिक्कारने के लिए उसे जिंदा ही नहीं छोड़ा। तुम्हारी आत्मा तो मर चुकी है। वो उस वक्त जिंदा थी जब तुम बच्चों के नरेश अंकल थे, दूसरों की जान बचाने के लिए जाबाज ड्राइवर थे, बहन पर जान निछावर करने वाले भाई थे। था नहीं, अभी भी हूँ। मैंने जो कुछ किया उसके पीछे एक और मकसद ये भी है कि मैं अपनी बहन को वो हर चीज दे सकूं जिसका उसने सपना देखा था। भैया, मुझे ऐसी खुशियां नहीं चाहिए जो लूट की दौलत से खरीदी गई। गीता, गीता ठीक कह रही है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें लूटते हुए देखा है। पहले तुम भाई के रूप में देवता थे, लेकिन अब तुम देवता नहीं रहे। सब लोग तुम्हें गुंडा और मवाली कहते हैं। तुम मुकद्दर से बादशाह नहीं बल्कि लूट कर बादशाह बने हो। हाँ, हाँ, यही समझ लो कि मैं इसी तरह मुकद्दर का बादशाह बना हूँ। मुझे गुंडा और मवाली वही लोग कहते हैं जिनके मुंह से गरीबों के खून की महक आती है। तुम लोगों ने मेरा लूटना देखा है, मेरा लूट जाना नहीं देखा। जालिमों के जुल्म की आग में जला, आंसुओं को पी गया कांटों पे जला। जुल्म को जमाने से मिटाने के लिए बन गया मैं बन गया मुकद्दर का बादशाह, मुकद्दर का बादशाह। जालिमों के जुल्म की आग में जला, आंसुओं को पी गया कांटों पे जला। जुल्म को जमाने से मिटाने के लिए बन गया मैं बन गया मुकद्दर का बादशाह, मुकद्दर का बादशाह। भगवान कहा लोगों ने, देश को जिसने लूटा उसे महान कहा लोगों ने। लूट के ऐसे लुटेरों से मैंने दिया जो गरीबों को, अपने हाथों से जो सवारा बिगड़े हो। तो क्या ये नाइंसाफी है? क्या ये पाप है? क्या ये गुनाह है? बोलो। पर्दा सबके चेहरे से उठाने के लिए ली है जो कसम उसे निभाने के लिए। जुल्म को जमाने से मिटाने के लिए बन गया मैं बन गया मुकद्दर का बादशाह, मुकद्दर का बादशाह। बहन की आबरू लूटने लगे, जब बहन की आबरू लूटने लगे, दर्द के पहाड़ मुझ पे टूटने लगे। मैं कैसे चुप रहता? कितने सितम सहता? बोलो। कानून के वहशी दरिंदों ने
इतना मजबूर किया, मैंने अपने हाथों से जंजीरों को तोड़ दिया, दुश्मनों को खाक में मिलाने के लिए, प्यास उनके खून से बुझाने के लिए, जुल्म को जमाने से मिटाने के लिए बन गया मैं बन गया मुकद्दर का बादशाह, मुकद्दर का बादशाह, मुकद्दर का बादशाह। क्या कहा? नरेश ने तुम्हारे 10 लाख के जेवरात और रुपए दान पेटी में डलवा दिए और तुम्हारा उल्लू बना दिया। उसने दुनिया के सामने मेरे मुंह पे थूक दिया, मैं उससे खून थुकवाऊंगा, मैं उससे खून थुकवाऊंगा। अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हारे चेहरे पर शराफत और ईमानदारी का एक निशानी तो था, वो भी मिटा दिया। अरे मेरे आदमी होकर अपने माथे पर तिलक लगाकर आज तक तुम दुनिया को चूना लगाते रहे, अब अगर वही सारे काम बगैर तिलक के करोगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। खुलती है तो खुल जाने दो। उसने मेरे कपड़े उतारे हैं, मैं उसकी खाल उतार दूंगा। उसको किसी भी झूठे मुकदमे में फांस कर सड़ने के लिए सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे फेंक दूंगा। मैं नरेश का नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। पहले बेवकूफ था, अब पागल हो गया है। गोदाम को सील कर दो। क्यों क्यों क्यों? लेकिन क्यों? आप लोगों ने फॉरेन से जो माल मंगाया, सरकार को उसकी कीमत बहुत कम बताई ताकि आप लोग कस्टम ड्यूटी से बच सके। देखिए आज अगर माल नहीं गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तो ये माल तभी बाहर जाएगा जब आप 75 लाख रुपए सरकार को दे देंगे। क्या बात कर रही है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। शट अप। आइए आइए विक्रांत सिंह जी आइए। अरे भारती तू, तेरी ड्यूटी है यहाँ? वाह 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 वाह, फिर तो। कैसी हो बेटी? मिस्टर सिंह, इस वक्त ड्यूटी पर कस्टम ऑफिसर भारती राठौड़ है। किसी ने ठीक ही कहा है, नए जूतों की तरह शुरू में नए नए अफसर भी काटते हैं। नए नए जूतों में खास बात और भी होती है मिस्टर सिंह, जब वो सर पर पड़ते हैं तो चोट बहुत ज्यादा लगती है, जिसे कुछ लोग गंजे हो जाते हैं। कम ऑन। साहबों के साहब जी, अब क्या होगा? आज की रात हम गोदाम की सील तोड़ेंगे है? और गोदाम का सारा माल निकाल कर उसे आग लगा देंगे। क्या? उस गोदाम की 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस है, हाँ? जिसे हम इंश्योरेंस कंपनी से वसूल करेंगे। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, चलो यार, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो। लाल जी, गोदाम को आग लगवा दो, मैं जाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए विकराल सिंह जी, पूरा भस्म करके आता हूँ। वेरी गुड जी, चलिए चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो। भारती, मैं माल की खबर लेता हूँ, तुम यहाँ का ध्यान रखना। ओके, जल्दी करो भाई। बिजली चमक रही? अरे बारिश हो गई तो आग बुझ जाएगी, अबे जल्दी करो सालो। ये क्या सेफ्टी है? क्यों चमक रही है? अबे हमारे देश में बिजली का अकाल है ना, इसलिए। चल चल अपना काम कर छोटी छोटी, जल्दी 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 लगा। चारों तरफ लगा दो, भस्म कर दो इस गोदाम को। साबू के साहब, आपका जवाब, आपने आम का रस भी चूस लिया और गुठली जलाकर 1 करोड़ रुपया वसूल भी कर लेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं विकराल सिंह हूँ और ये है सेठ दमड़ी लाल। नमस्ते। नमस्ते, आप लोग जनरल मैनेजर के पास जाइए। मैनेजर? इंश्योरेंस की रकम बड़ी है ना, इसीलिए जनरल मैनेजर साहब के पास भेज रहे हैं। नमस्ते। आप जी? मेरा नाम विकराल सिंह है और ये हैं सेठ दमड़ी लाल। आई सी, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। यस सर। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। पुलिस क्यों? बड़ी रकम है ना, इसीलिए हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुला रहे हैं। ठीक है ठीक है। नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए बोला। गिरफ्तार करने के लिए?
मगर क्यों? इसलिए कि तुम लोगों ने गोदाम का ताला तोड़कर सारा माल बाहर निकाल लिया, फिर खुद ही गोदाम में आग लगा दी और इंश्योरेंस कंपनी पर 1 करोड़ रुपए का झूठा क्लेम फाइल कर दिया। ये सब झूठ है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये रहा सबूत, देखिए, देखो। दमड़ी लाल, ये कहां की शराफत है? तुमने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। अरे मैंने तुम्हें 10 पैसे का पार्टनर इसलिए बनाया था कि 4 पैसे तुम भी कमा सको, लेकिन तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए विकराल सिंह जी, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आपको बताए बगैर मैंने स्मगलिंग का माल गोदाम में छिपा दिया था, इस डर से कि कहीं कस्टम वाले उसको पकड़ नहीं लें, मैंने गोदाम में आग लगा दी। सचमुच मैंने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया है साहब। कौन है? कौन स्मगलर है इधर? कौन है? आपने फोन किया था कोई स्मगलर इधर? कौन है वो? ये है वो स्मगलर सेठ दमड़ी लाल, गिरफ्तार कर लो इसे। सेठ जी जरा ये थोड़ा घुमाने दो। सेठ, आज मैं तुमको इतनी तरकारियां खिलाऊंगा कि तुम्हारी शक्ल हमेशा के लिए तरकारी की जैसी हो जाएगी। किसकी जैसी हो जाएगी? तरकारी जैसी। हां तो चलो। हां अरे चल इसको, चल चल। विकराल सिंह, तुम ये मत समझना कि सेठ को गिरफ्तार करवा के तुम बच गए। तुम्हारा गोदाम भी जल गया, इंश्योरेंस का 1 करोड़ रुपया भी गया, और गोदाम में आग लगाने से पहले जो सारा माल तुमने निकाल लिया था वो माल अब मेरे कब्जे में है। ये नामुमकिन है। तकदीर के फकीर चंद, मुकद्दर के बादशाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। याद रखना, यह अभी तीसरी किश्त है। मिस्टर विकराल, तुम्हारी बदनसीबी की कहानी यही खत्म नहीं हुई। तुम्हें कस्टम डिपार्टमेंट को 75 लाख रुपए देने हैं। अगर तुमने ये रकम फौरन नहीं भरी तो इसकी वसूली के लिए हमारा डिपार्टमेंट तुम्हारी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा। हेलो, कस्टम विभाग को श्री विकराल सिंह से 75 लाख रुपए लेने हैं, इसलिए इनकी सारी बसें नीलाम की जा रही हैं। इनकी कुल 150 बसें हैं और सरकार की बोली है 75 लाख रुपए। इससे बढ़कर आप लोग बोली लगाइए। सेठ, मेरे मालिक का हुक्म है, अगर बोली लगाई तो पीछे से गर्दन में चाकू मारूंगा और आगे से निकालूंगा। चुपचाप बैठे रहो, समझे? चुप रहना वरना बदन में सुरंग बना दूंगा, समझे? 75 लाख 1 रुपया। क्या कहा? 75 लाख 1 रुपया? जी, 75 लाख 1 रुपया, 75 लाख 1 रुपया, 75 लाख 1 रुपया। देखिए, आप लोग किसी किस्म का संकोच मत कीजिए, बोली लगाइए। मैं जानता हूं कि आप लोग मेरा बहुत लिहाज कर रहे हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप बढ़ कर बोली लगाइए। भाइयों, मेरी 150 बसें हैं और सभी अच्छी कंडीशन में हैं। बोली लगाइए, लगाइए बोली। जब कोई बोली लगा ही नहीं रहा तो आप नीलामी खत्म क्यों नहीं कर देते? मेरी 150 बसें और सिर्फ 75 लाख 1 रुपए में, ये नीलामी कैंसिल कर दीजिए साहब। सरकार को जो रकम मिलनी थी वो मिल रही है, इसलिए ये नीलामी कैंसिल नहीं होगी। गो अहेड। 75 लाख 1 रुपया 1, 75 लाख 1 रुपया 2, 75 लाख 1 रुपया 3। मिस्टर नरेश कुमार, आप डिपॉजिट अमाउंट जमा कर दीजिए। विकराल सिंह, कस्टम्स को 75 लाख रुपए देने के बाद ये 1 रुपया बचा है, ये तुम्हारा है। ये है वसूली की चौथी किश्त। तुम शायद ये सोच रहे होगे कि ये बसें मैंने अपने फायदे के लिए खरीदी हैं। ऐसा नहीं है विकराल सिंह, मैं वही ड्राइवर हूं जो अपनी बहन का रिश्ता मांगने आया था और तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, और आज वही ड्राइवर तुम्हारी अमीरी की धज्जियां उड़ाकर इन गरीबों में बांट देगा। भाइयों, जो आदमी जिस बस का ड्राइवर है
आज से वो उस बस का मालिक होगा। नरेश भैया, नरेश भैया, नरेश भैया, नरेश भैया, नरेश भैया। डैडी क्या हुआ आपको? डैडी अब कैसे हो? जिंदा लाश की तरह हो। नहीं नहीं ऐसा मत कहो। तू भी बताओ, इतने अपमान के बाद किसको जिंदा रहने की इच्छा रहेगी? मेरा दम अगर नहीं निकल रहा है तो सिर्फ इसी वजह से कि मैं अपनी बेटी की शादी देखना चाहता हूँ। विजय, तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो। क्या सोच रहे हो? क्या तुम अपने जिगरी दोस्त की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? कैसी बातें करते हो? तुम्हारे एहसानों का मैं जरा सा भी बदला चुका सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। अशोक और रजनी की शादी कल ही होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। जल्दी करना, मेरा कोई भरोसा नहीं। नहीं विकराल, सब ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, हम कल ही शादी करा देंगे। तुम आराम करो। हा? हम हैं ना, घबराओ नहीं, हम हैं। जी डैडी। वो दोनों चले गए क्या? हाँ डैडी। डैडी 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 मत कीजिए, मत कीजिए, ये प्लीज क्या कर रहे हैं आप? अरे घबराओ नहीं बेटा, ऊपर वाले ने ये दिल पत्थर का बनाया है। इसे शौक तो लग सकता है लेकिन कभी स्टॉप नहीं हो सकता। जाओ जाकर देखो वो शादी का क्या इंतजाम कर रहे हैं। अरे जाओ ना। साहब है? जी हैं। नरेश, नरेश, आप फौरन नीचे आओ। सब खैरियत तो है? इतनी रात में कैसे तकलीफ किया आपने? जब औलाद की जिंदगी का सवाल हो तो माँ दिनों रात नहीं देखती। विकराल सिंह की हालत पे तरस खा के अशोक के डैडी अशोक की शादी रजनी से कराने को तैयार हो गए हैं। न मुहूर्त निकलवाया, न इनविटेशन कार्ड्स छपवाए और वो लोग शादी की तैयारी में जुट गए हैं। अगर तुम मेरे बेटे और अपनी बहन की खुशी चाहते हो तो शादी को रुकवा दो और अशोक की शादी गीता से कर दो। शारदा जी, अगर मैं आपकी और आपके बेटे की खुशी के लिए ये शादी करवा दूं, तो क्या आपके पति मेरी बहन को अपनी बहू स्वीकार करेंगे? नहीं। फिर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? एक पत्नी अपने पति के लिए अपने अरमानों का खून तो कर सकती है, लेकिन एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए सारी दुनिया से टकरा सकती है। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, आराम से घर जाइए। कल अशोक की शादी गीता से मैं खुद कर रहा हूँ। शादी का सब इंतजाम ठीक है ना? हो गया डैडी। तुमने खुद देखा? हाँ मैं खुद देख के आया हूँ। भैया भैया भैया, क्या हुआ? नरेश दूल्हे को किडनैप करके ले गया है। कहाँ? अपनी बहन के साथ शादी कराने के लिए। मैं उस हरामजादे को जान से मार डालूंगा। ए, इधर आओ। शहर में जहाँ कहीं भी वो शादी हो रही हो, उस दूल्हे को किसी भी हालत में यहाँ उठा कर ले आओ। और अगर वो नरेश का बच्चा दखल अंदाजी करे तो खत्म कर दो उसे। जाओ जी साहब, चलो। बंद करो ये शादी। ये शादी नहीं हो सकती, सीधी तरह से दूल्हे को हमारे हवाले कर दो, वरना। वरना क्या करोगे? शारदा जी आप शादी करवाइए। ओम नरेश। पंडित जी जल्दी कीजिए। Thank you.
घबरा मत बेटी, अशोक आता ही होगा। साहब साहब, दूल्हे को ले आए। मैं पूछता हूं कहां है दूल्हा? अबे गधे, मैं तुझे दूल्हे के बारे में पूछ रहा हूं और तू मुझे खड़ाऊ दिखा रहा है? ये नरेश ने आपके लिए दिए हैं और कहा है कि इन्हें अपने सर पे मार लीजिए, और उसने आपके होने वाले दामाद से अपनी बहन की शादी भी करवा दी। शारदा देवी भी उनके साथ थी। बेटी बेटी, ये क्या हो गया मेरे साथ? हौसला रखो बेटी, क्या हौसला रखो बेटी, बेटी बेटी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो बेटी, मेरी बात सुनो बेटी, बेटी बेटी बेटी, आइए आइए, न्याय की रक्षा करने वाले मेरे दोस्तों, अब तुम ही फैसला करो, मैं दुल्हन बनी हुई अपनी बेटी को क्या जवाब दूं? अब किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है डैडी, फैसला हो चुका है, हमारी लड़की हमारे घर रहेगी और इनकी बेटी इनके घर। चल निकल जा, चल मत कीजिए, चल मुझे अपने घर से मत निकालिए, प्लीज मुझे यहीं पे रहने दीजिए। निकल जा से। मनिक, क्या कर रहे तुम? अंकल, डैडी ने इन्हें पहले ही बोल दिया था कि अगर ड्राइवर की बहन उस घर की बहू बनकर आई तो मैं उस घर का दामाद बनकर नहीं रहूंगा, मैं आपकी बेटी को तलाक देता हूँ। आप वकील हैं, तलाक के कागजात खुद ही तैयार कर लीजिए। ये क्या कह रहे मानिक बेटा? भैया ने जो किया उसके सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तेरे भाई की कमीनी हरकत ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरी माँ ने हमारे खानदान के साथ बदला लिया है, अब तेरा जो भी रोना है उन्हीं के पास जाके रो। मानिक बेटा, मेरी बात तो सुनो। छोड़िए मेरा हाथ। मेरे बेटे और मेरी पत्नी ने जो गलती की उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी पर जुल्म मत करो, इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो विक्रांत। खुशियां मनाकर तो आ गई, अब आंखों के आंसू भी पहुंच लो क्योंकि इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। मम्मी, मानिक मुझे तलाक दे रहा है। अच्छा, अशोक और रजनी की शादी नहीं हुई इसलिए वो हमसे इंतकाम लेना चाह रहा है। उस इंतकाम की भी तुम जिम्मेदार हो। मैंने उसे वचन दिया था कि अशोक और रजनी की शादी होगी, लेकिन तुमने ये नहीं होने दिया, जबकि पत्नी होने के नाते मेरे वचन को निभाना तुम्हारा धर्म होना चाहिए। आपकी हर जायज बात को मानना मेरा धर्म है, लेकिन आप अपने नाजायज फैसलों को मनवाने के लिए भी मुझे मजबूर करें तो क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी? मैंने कोई नाजायज फैसला नहीं किया। अशोक बालिग है, क्या उसे अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने का हक नहीं? एक पिता और एक वकील होने के नाते बताइए, क्या उसे ये हक है या नहीं? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई? जो रिश्ता स्वार्थ के धागों से बंधा हो उसके टूट जाने में कोई हर्ज नहीं। शारदा, बताइए, एक माँ अपनी बेटी की झूठी खुशियों के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर देती तो क्या इंसाफ हो जाता? एक बाप अपनी दोस्ती की खातिर अपनी औलाद को बलि चढ़ा देना चाहे और उसकी पत्नी उसका विरोध करे तो क्या यह अधर्म है? आप ही फैसला कीजिए कि जो कुछ मैंने किया क्या वो अपराध है? अगर है तो आप जो भी सजा देना चाहें मुझे मंजूर होगी। आहा। सुहाग रात के बारे में सोचकर तेरा चेहरा खिल उठा है गीता। वाह वाह वाह, क्या करती हो? अरे, मैंने छोटी सी पपी ली तो नखरा करने लगी। जानती है वो क्या करेगा? बस बस। अरे सुन तो, समझी? यहाँ
बाहों में लेकर यहाँ किस करूँगा वहाँ किस करूँगा तुम्हें प्यार की प्यास देकर तुम्हें अपनी बाहों में लेकर कब से मेरा दिल था बेकरार ये भी करारी मिटाएंगे हम और एक मिलाएंगे हम शरारत करूंगा मोहब्बत करूंगा तुम्हें अपनी बाहों में लेकर शादी हो जाएगी तब खुशबू तुम्हारी लेता रहूं सांसों में तुम बस जाओ सनम देखा जिस लड़की का चेहरा शादी के जोड़े में चमकना चाहिए था वो चेहरा आज आंसुओं से फीका पड़ गया है मेरी सारी दौलत विकराल साहब ऐसे दिल छोटा करेंगे तो कैसे काम चलेगा अरे मैं हूं ना मैं आपके दूसरे दोस्तों की तरह को खुदगर्ज तो मतलब ही नहीं हूं आपने मेरे साथ खुशियां बांटी मैं आपका गम बांटूंगा मैंने आपका नमक खाया है उस नमक का हक अदा करूंगा मैं आपका बदलूंगा हेलो मैडम मैं अजीत कुमार बोल रहा हूँ खबर मिली है कि मारवे बीच पर स्मगलिंग का माल आने वाला है क्या स्मगलिंग मैं अभी आती हूँ चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भारती भागो भागो सामान छोड़ के भागो कस्टमर ले आगे रुक जाओ मालिक रुक
सकती। कम ऑन। क्या बात है भारती, ये सब क्या है? मैं एक मुजरिम की तलाश में आई हूँ। मुजरिम और यहाँ? मैंने आपके दामाद को स्मगलिंग करते हुए देखा, लेकिन इससे पहले कि हम उसे पकड़ लें, वो वहाँ से भाग निकला। उसका पीछा करते हुए हम यहाँ आए हैं। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आया। आपके घर के बाहर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी है, वो जरूर इसी घर में छुपा है। लेकिन मैं तो कितनी देर से यहाँ हूँ, वो यहाँ नहीं आया। भारती, आपको यकीन है कि आपका दामाद यहाँ नहीं आया? क्या बकवास कर रही हो? अपने दामाद को बचाने के लिए मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? भारती, कानून और इंसाफ के लिए मैं अपने पति तक से लड़ती रही, तो क्या अब एक मुजरिम को पनाह दूंगी? ये बात तुमने सोची भी कैसे? आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कम ऑन, लेट्स गो। क्या हुआ शारदा, भारती क्यों आई थी? माने को तलाश करने आई थी। माने को तलाश करने? क्यों? मैं नहीं जानता था माने कितना कमीना निकलेगा। थैंक यू सासू जी। सासू जी, अगर आपने भारती पर रोब न जमाया होता तो वो मुझे जरूर ढूंढ निकालती। मानिक, तुम स्मगलिंग करते हो? लो, ये तो मेरे डैडी का बहुत पुराना धंधा है, इट्स फैमिली बिजनेस यू सी। मैं पहले आपकी बेटी को तलाक देना चाहता था, लेकिन अब नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मुझे बचा लिया ना। आज तक ये घर कानून और इंसाफ की रखवाली करता रहा, आज पहली बार इस घर ने एक मुजरिम को पनाह दी है, और आज पहली बार मेरे मुंह से अनजाने में झूठ निकल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। झूठ बोलकर तो आपने बहुत सही काम किया था, बड़ी गलती ये की कि अपने दामाद पर हाथ उठा दिया। इसका नतीजा नतीजा क्या? तुम्हें तो शूट कर देना चाहिए। नरेश कदम कदम पर सच बोलता रहा, शारदा बार बार मुझे समझाती रही, लेकिन तेरे परिवार का यकीन करके मैं लगातार कानून और इंसाफ का गला घोंटता रहा। आप दोनों ने जो मेरे साथ बर्ताव किया है, उसकी सजा अब आपकी बेटी भुगतेगी। तेरे जैसे गुंडे बदमाश के साथ जिंदगी बसर करने से तो अच्छा है कि मेरी बेटी मेरे घर पर रहे। Now get out! करेक्ट भाई साहब, ये नीच आपके घर में रहने के बिल्कुल लायक नहीं है। अरेस्ट हिम। सॉरी भाभी, मैंने आप पर शक किया, मैंने समझा कि अपनी बेटी के लिए आपने इसे छुपा रखा होगा, मुझे माफ कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से ले जा। ठीक है, कम ऑन। चोरी करके भाग। अरे गुलशन, तुम मालिक, तुम ऐसे लड़बड़ा के क्यों भाग रहे हो? वो लड़की मेरा पीछा कर रही है यार। साला, लड़की पीछा कर रही हो, तुम ना भागे, भाग रहा कैसा मर्द है? वो कस्टम ऑफिसर भारती है, अरे मुझे बचा ले यार। तो पहले बोलना था कि भारती है, उधर भाग, चल भाग। अच्छा मैं समझता हूं। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मालिक इस तरफ आया? नहीं, आया तो नहीं था, लेकिन अगर मिले तो कुछ बोलूं? तुम सच तो बोलोगे नहीं, और अगर सच बोल भी दूंगा तो तुम मानोगे नहीं। It's all right. चलो। ये रिवॉल्वर किसका है? ये मेरी है, जरा वजनी है ना इसलिए। हाथ का रिवॉल्वर और सिर की टोपी को भारी समझने वाले कानून का बोझ क्या उठाएंगे? Come on. My name is Inspector Gulshan, selected without recommendation. थैंक यू गुलशन। डोंट मेंशन। जा। इस वक्त यहां कौन आ सकता है? मैं देखता हूं। अशोक, कौन हो तुम लोग? ये सब मेरे आदमी हैं। जब तुम बारात लेकर मेरे पास नहीं आए तो मुझे बारात लेकर आना पड़ा। शहर के सारे रईस लड़के मेरी जूती की धूल चाटते हैं, और तुमने मेरे दुल्हन का जोड़ा उतरवा दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की से शादी करने की? कैसी बातें कर रही हो? जब मुझे तुमसे प्यार नहीं था तो शादी कैसे करता? आज तुम्हारे साथ साथ ये चारों भी गीता के साथ सुहागरात मनाएंगे। कम ऑन बॉय। खबरदार, अगर किसी ने भी हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। अबे।
बेटी। बेटी। आइए समधी जी, आप मेरी बेटी की मौत पर हमदर्दी जताने आए हैं। ये मासूम अशोक से सिर्फ इतना पूछने गई थी कि उसने इसके साथ शादी क्यों नहीं की, और आपके बेटे ने इसे मार डाला। अंकल मेरी बात का विश्वास कीजिए, रजनी की हत्या से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम झूठ बोलते हो, इन सब लोगों ने गवाही दी है कि रजनी के कातिल तुम हो। भैया भैया उन्हें बचा लो भैया, भैया वो किसी का खून नहीं कर सकते, वो निर्दोष है भैया, उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो। तेरी खुशी मेरी जिंदगी का मकसद है, और मैं दुनिया के किसी भी कानून को अपनी बहन का सुहाग उजाड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक छठे हुए बदमाश हो, अपनी बेटी को मैंने ही तुमसे शादी करने के लिए राजी किया था, ये सोच करके तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, लेकिन तुम तो आस्तीन के सांप निकले। आप लोग तो कानून के रखवाले हो, दिलाओ मुझे इंसाफ, लटका दो इसे फांसी पर। नरेश जी कम से कम आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए, यह खून मैंने नहीं किया, इसमें जरूर किसी न किसी की साजिश है। घबराओ मत अशोक, मैंने आज तक बहुत सी जंग लड़ी है, अब लगता है आखिरी जंग लड़ने का वक्त आ गया है। मैं FIR लेकर आया हूं। आज तक मैंने तुम्हें बहुत से मुकदमों के लिए FIR दिए हैं, लेकिन आज जो FIR दे रहा हूं उसमें तुम्हारे बेटे को कातिल ठहराया गया है। दोस्ती भी कानून की सीमा नहीं तोड़ सकती, यही मेरी भी मजबूरी है, मुझे माफ करना दोस्त। मेरे जिद और मेरे अहंकार के आगे मजबूर होकर एक दिन तुमने एक गांव उतार कर फेंक दिया था। उस दिन मुझे लगा था कि मैं तुमसे जीत गया, लेकिन दरअसल वो मेरी हार थी। आज मैं वही गांव तुम्हें वापस दे रहा हूं, अब सिर्फ तुम हमारे बेटे को बचा सकती हो, इसे पहन लो। ले लो शारदा, यहां मैं एक बाप का हक अदा कर रहा हूं, कोर्ट में मैं वही करूंगा जो मुझे एक वकील की हैसियत से करना चाहिए। मैं हर कीमत पर अपना यह मुकदमा जीतना चाहूंगा, लेकिन लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि यह मुकदमा तुम जीतो और मैं फिर से हार जाऊं। आप नहीं हारेंगे, हारेगा झूठ, हारेगी बेईमानी, जीतेगा आपका आशीर्वाद, जीतेगी वो पत्नी जो अपने पति का कंधा बनकर धर्म युद्ध लड़ेगी। मैं वादा करती हूं आपका बेटा जरूर बेकसूर साबित होगा। मिस्टर जस्टिस, कटघरे में खड़े मुलजिम पर इल्जाम है कि इसने अपने घर से अपने डैडी का रिवॉल्वर लिया और गार्डन हाउस में जाकर उससे रजनी का खून कर दिया। ये इल्जाम साबित करने के लिए मैं चंद गवाह पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। उस दिन क्या हुआ, अदालत को सब कुछ सच सच बताओ। रजनी हम चारों को लेकर उस रात गार्डन हाउस गई।
सिर्फ ये पूछने के लिए कि अशोक ने उसे ठुकरा कर गीता के साथ शादी क्यों कर ली। रजनी को देखते ही अशोक गुस्से से भड़क उठा और बोला कि मैं जानता था कि तुम मुझसे बदला लेने आओगी, इसलिए मैं पहले से ही अपने डैडी का रिवॉल्वर ले आया हूं। यह कहकर अशोक ने रजनी पे गोली चला दी। मिस्टर जस्टिस, इन चश्मदीद गवाहों के बयान से साफ जाहिर है कि रजनी का कातिल अशोक है, लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि वो अशोक को सजाए मौत का हुक्म सुना दे। डिफेंस काउंसिल, यू मे प्रोसीड। तो अशोक ने गुस्से में आकर तुम्हारी आंखों के सामने रजनी पर गोली चलाई है ना? जी हाँ। वो गोली अशोक ने कहाँ चलाई? उस बंगले के अंदर। पुलिस को लाश कहाँ मिली? बंगले के सामने बाग में। अशोक ने रजनी पर बंगले के अंदर गोली चलाई, तो फिर रजनी की लाश बंगले के सामने वाले बाग में कैसे मिली? लाश वहां चलकर पहुंच गई क्या? चुप क्यों हो? जवाब दो। वहां क्या देख रहे हो? वहां से तुम्हें कोई इशारा नहीं मिलने वाला। जवाब दो। गोली लगते ही रजनी कमरे से बाहर भागी, जितनी दूर जा सकती थी गई, फिर लड़खड़ा कर गिर गई और दम तोड़ दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम सब विकराल के हाथों बिक चुके हो। ऑब्जेक्शन मिस्टर जस्टिस। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर जस्टिस, सुहागरात के कमरे से टूटी हुई चूड़ियां और मंगलसूत्र मिला, वो चीजें अदालत में जमा की जा चुकी हैं। लेकिन रजनी की शादी नहीं हुई थी, फिर वो मंगलसूत्र कैसे पहन सकती थी? इसके अलावा वो इतनी मॉडर्न लड़की थी कि वो चूड़ियां पहनना अपनी शान के खिलाफ समझती थी। सबूत के तौर पर यह हैं कुछ तस्वीरें। किसी भी तस्वीर में उसकी कलाई में चूड़ियां नहीं, सिर्फ घड़ी है। मिस्टर जस्टिस, उस कमरे से टूटी हुई चूड़ियां और मंगलसूत्र मिलने का इस कत्ल के केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मिस्टर जस्टिस। जब वो चूड़ियां और मंगलसूत्र रजनी के नहीं थे तो फिर किसके थे? हाथापाई किसके साथ हुई? इसका मतलब यह हुआ कि रजनी वहां इन चार लड़कों के साथ किसी खास मकसद के साथ गई थी। वो मकसद क्या था? इस साजिश के पीछे और कौन है? इस बात की छानबीन करने के लिए मैं अदालत से कुछ मोहलत चाहती हूँ। रिक्वेस्ट ग्रांटेड, केस इज एडजर्न्ड। अगर हमें यह मालूम हो जाए कि रिवॉल्वर यहां से कौन ले गया और वहां कैसे मिला, तो अशोक साहब बच जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि अम्मू, क्या हुआ? मम्मी, अरे मुझे माफ कर दो। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ वो रिवॉल्वर कौन लेके गया था। कौन ले गया था बता। अन्नू, मानिक, जिस दिन भारती मानिक को गिरफ्तार करने आई थी उसी दिन वो डैडी का रिवॉल्वर चुरा कर ले गया था। मैं इतने दिनों तक इसलिए चुप थी कि शायद वो मुझे घर ले जाए और मेरा परिवार फिर से बस जाए। लेकिन अब मैं अपनी खुशी की खातिर भैया की जान क्या होती नहीं दे सकती, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। भैया को बचा लो मम्मी, भैया को बचा लो मम्मी। लेकिन माने अपनी सगी बहन का खून क्यों करे? हो सकता है रिवॉल्वर किसी और के हाथ लग गया हो। तूने मेरी बेटी को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, 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 इन्होंने कोई गद्दारी नहीं की, ये सब इत्तेफाक से हुआ, मैं खुद वहां मौजूद था। थोड़ी देर के लिए जरा मेरी पूरी बात सुन लीजिए, अगर उसके बाद भी मैं आपको दोषी लगूं तो आप गोली मार मार के मेरा सीना छली कर दीजिए, मैं उफ नहीं करूंगा। दरअसल अमीरे सलील, तो
ये जो कुछ कह रहे हैं उसका एक एक लफ्ज सच है। विक्रांत साहब, फिर भी आप अगर मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन मुझे मारकर रनी जिंदा तो नहीं हो जाएगी ना? हाँ, उसकी आत्मा को शांति उसी वक्त मिलेगी जब अशोक बेकसूर होते हुए भी फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। होगा कानून के लिए बेकसूर, लेकिन मेरे लिए मुजरिम है वो। मेरे दिल की सुलगती हुई आग तभी ठंडी होगी जब उस हरामजादे अशोक को फांसी हो जाएगी। तो तू हमारी बातें रिकॉर्ड करके हमें सजा दिलवाना चाहता था? सिर्फ सजा ही नहीं कमीने, तुम दोनों को फांसी पर चढ़वाकर अशोक को बचाना चाहता हूं। अबे जा मच्छर की औलाद, तू क्या बचाएगा? तू खुद हमारे चुंगल में फंसा हुआ है, पहले अपनी जान की सोच। पहले इस सबूत को मिटा दो, इसके जलते ही अशोक की जिंदगी खुद ब खुद जल जाएगी। इसे ऐसे नहीं मारना है, याद है ये एक रुपए का सिक्का मेरा 75 लाख रुपए का नुकसान करके तूने मुझे ये एक रुपए का सिक्का भीख के तौर पर दिया था। अब मैं इसी सिक्के से फैसला करूंगा कि तुझे किस किस्म की मौत दी जाए। हेड्स फॉरन मौत, टेल्स पल पल की मौत, यानी तुम्हारे लफ्जों में किश्त किश्त की मौत। टेल्स यानी तुम्हें किश्त किश्त से मारा जाएगा। बांधो इसे। सारी सुरंग में टाइम बॉम्ब लगा दो। अशोक को फांसी की सजा सुनाने से पहले ही टाइम बॉम्ब से तुम्हारे चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। चलो। अंकल, 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 अंकल,
बंटी, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं कार में छुप के आपके पीछे पीछे आ गया। अच्छा, जल्दी से रस्सी खोल। अंकल, मैंने कैसेट को जलने से बचा लिया। शाबाश बंटी, शाबाश। बंटी, यहाँ टाइम बॉम्ब लगा कर गए हैं वो लोग। हमें जल्दी से यहाँ से निकलकर कोर्ट पहुंचना है। चलो। अंकल! 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 डिफेंस ने अशोक को बेगुनाह साबित करने की जो मोहलत मांगी थी उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। इसलिए अशोक को रजनी का कातिल मानकर इसे सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाए। मुलजिम अशोक को बेगुनाह साबित करने के लिए डिफेंस ने एक भी गवाह पेश नहीं किया, लिहाजा अदालत अशोक को मुजरिम करार देती है और अशोक को रजनी का कातिल ठहराते हुए आईपीसी 302 के तहत। ठहरिए, ठहरिए जज साहब, ठहरिए, ठहरिए जज साहब, जज साहब, अशोक निर्दोष है, अशोक, अशोक निर्दोष है जज साहब, इसका मैं सबूत लाया हूँ, और जज साहब, अपनी सगी बेटी के कातिल से हाथ मिलाने वाले इस नीच और गलीज इंसान का असली रूप क्या है? आप खुद सुन लीजिए। डैडी ने मेरे साथ गद्दारी की है। नहीं डैडी, इन्होंने कोई गद्दारी नहीं की, ये सब इत्तेफाक से हुआ। फिर भी आप अगर मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन मुझे मारकर रजनी जिंदा तो नहीं हो जाएगी ना? हाँ, उसकी आत्मा को शांति उसी वक्त मिलेगी जब अशोक बेकसूर होते हुए भी फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। होगा कानून के लिए बेकसूर, लेकिन मेरे लिए मुजरिम है वो। मेरे दिल की सुलगती हुई आग तभी ठंडी होगी जब उस हरामजादे अशोक को फांसी हो जाएगी। तो ये मर्डर तुमने किया? नहीं सर, बाय मिस्टेक हो गया। शट अप कांस्टेबल, गिरफ्तार करो इसे। कांस्टेबल, भाग कहां रहा था कमीने? अब तू कानून के हाथों से नहीं बच सकता। नरेश, नरेश छोड़ इसे, नरेश, ये क्या कर रहे हो तुम? नरेश, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाइए। चलो। सारे सबूतों की बिना पर यह साबित हो चुका है कि अशोक बेगुनाह है। इंस्पेक्टर गुलशन ही रजनी का कातिल है, लिहाजा आईपीसी 302 के तहत अदालत इसे फांसी की सजा सुनाती है। सही कहा है लोगों ने कि गलत आदमी के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। लुक एट मी सर, आई वॉज इंस्पेक्टर गुलशन, सेंटेंस टू फांसी विदाउट रिकमेंडेशन। और अदालत कत्ल के मुजरिम इंस्पेक्टर गुलशन का साथ देने के जुर्म में विकराल सिंह को 7 साल और मानिक को 1 साल की सजाए बामुशक्कत सुनाती है। अदालत मिस्टर नरेश को वार्निंग देती है कि वो आइंदा कानून को अपने हाथ में न लें। शरारत करूंगा, मोहब्बत
करूंगा तुम्हें अपनी बात।